हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आने वाले सभी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के लिए। टेस्ट नंबर 11 हम लोग करेंगे इसमें, और सिटी इंटीमेशन आ चुका है यूपी ट्रिपल एससी लवर वाले किस दिन किस तारीख को और कितने बजे एग्जाम देंगे किस सिटी में, ये चीज यूपी ट्रिपल एससी ने फाइनली क्लियर कर दी है। आप लोग चाहे तो हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि आपकी सिटी कौन सी मिली है, तूर मिली है कि पास मिली है, और किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है। पिछले दो 10 टेस्ट है उनका पापा वीडियो प्रिपेयर कर दिया गया है, यानी कि सारे को कंबाइन करके, तो आप उस वीडियो से अपने किसी भी मनचाहे टेस्ट को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबको कंबाइन कर दिया गया है, तो पिछले 10 जो है एक ही वीडियो में है, बाकी टेस्ट नंबर 11 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे साथ अटेम्प्ट करेंगे तो प्लीज अपना स्कोर कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताइएगा जी। इस सेक्शन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र, वरुण, सूर्य आदि देवताओं की पूजा होती थी, और ऋग्वैदिक काल में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। मुख्य देवता इंद्र, वरुण, सूर्य होते थे यहाँ पर, और इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, जिसका मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना किसने करवाई थी? एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये किससे एसोसिएटेड है ये टर्म। दीवान अमीर को ही की स्थापना करी थी मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जूना खान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। और ये किससे रिलेटेड है ये डिपार्टमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर या फिर कृषि से, एग्रीकल्चर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने काल में जो है काफ़ी ध्यान दिया था एग्रीकल्चर पर, लोन भी प्रोवाइड करवाया था फार्मर्स को, और साथ ही साथ उसने ये देखा था कि फलों की गुणवत्ता अच्छी रहे। अब हमको मैच करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। यहाँ पर आपको जो है ऋग्वेदिक डाइटी को किससे उनका रिलेशन है उससे मैच करना है। तो ऋग्वेदिक देवता वरुण का संबंध किससे है? ऋतु के संरक्षक के रूप में ये हैं, और इंद्र जो है ये युद्ध के नेतृत्व करता है। अग्नि जो है ये ब्रह्म से जोड़ने वाला है, तो ये है अग्नि को जो है इंटरमीडिएटरी बताया गया है, ठीक है, ब्रह्म और मनुष्य के बीच। और सूर्य क्या है? जीवन देने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें मैच करेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन काल में किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था? सुप्रीम कोर्ट जो है आया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, लेकिन 1773 में नहीं आया था, 1774 में आया था, ये बात ध्यान रखिए। कहाँ पर आया था? कहाँ पर आया था? दिल्ली में? क्या नहीं, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जो आपको टर्म है उनको मिलाना है, कौन सा टर्म किससे संबंधित है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो जैसे ए को ग्रह त्याग को संबोधि से मिलाया गया है, यहाँ पर गलत है। ज्ञान प्राप्ति को यहाँ पर महाभिनिष्क्रमण से मिलाया गया है, ये भी यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ये ग्रह त्याग है वो एक्चुअली महाभिनिष्क्रमण है और ज्ञान प्राप्ति संबोधि है, तो इसको क्रॉस कर दिया गया कुल मिला करके। ये है प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परावर्तन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम उपदेश दिया कहाँ था? सारनाथ में दिया था, ये कई बार यूपी ट्रिपल एससी से पूछ चुका है, क्योंकि गौतम बुद्ध के जीवन की घटना जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए और बी, ठीक है, वन और टू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट चला जाएगा, ये दोनों गलत मिलाए गए हैं। अगला है नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1858-1859 में नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। यहाँ पर चारों ही ऑप्शन गलत हैं, सही नहीं दिए हुए हैं, सही ऑप्शन हम आपको पेड ग्रुप वालों को देंगे सही से लिख के, ये शायद गलत फाइल अपलोड हो गई है। इसका आंसर हो जाएगा आपका दिगंबर दास और बिस्तु चरण दास, यहाँ पर सही आंसर होगा, तो ये कोई भी ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों को कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पाकिस्तान की डिमांड रखी गई थी, 23 मार्च 1940 को लाहौर का जो सेशन हुआ था आपके मुस्लिम लीग का, उन्होंने पहली बार जो है पाकिस्तान की डिमांड की थी 23 मार्च 1940 में। 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर आता है, तो एक और फिर चार, और फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर क्रिप्स मिशन टू, और फिर आखिर में जो आखिर में बचेगा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, तो यहाँ पर 1423 बनेगा क्रम, तो ये किस में है? 1423, ऑप्शन नंबर डी में। अगला चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड की डेट है 5 फेब 1922, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। चौरी चौरा कांड चूंकि हमारा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो इस वजह से हम इसको जरूर ध्यान रखेंगे। बेंगुवेला की धारा कहाँ बहती है? वेयर डज द स्ट्रीम ऑफ बेंगुला फ्लो? तो ये फ्लो करती है ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कि सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है। तो सबसे बेकार प्रकार का कोयला जो है सबसे ऊपरी लेयर में पाया जाएगा, और सबसे अच्छा कोयला जो है जितना नीचे जाएंगे उतना। तो पीट सबसे कह सकते हैं कि कम अच्छी क्वालिटी का कोयला होगा, और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होगा एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर सी। रेन कैरियर क्लाउड्स लुक ब्लैक बिकॉज, कि जो वर्षा वाले बादल होते हैं वो काले क्यों दिखते हैं। तो अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो वर्षा वाले नहीं होते वो सफ़ेद क्यों दिखते हैं, क्योंकि जो है उनका हर एक जो पार्टिकल होता है क्लाउड का, चूंकि क्लाउड बना होता है वाटर वेपर्स के कंडेंसेशन से प्लस क्रिस्टल से, वाटर ड्रॉपलेट्स एक्सेट्रा से, वो क्या करता है कि सारी लाइट को जो है इक्वली स्कैटर कर देता है। इक्वली स्कैटर कर देता है तो उसके पास व्हाइट कलर बच जाता है। तो इस वजह से जिस बादल के पास जो मतलब जो वर्षा वाला बादल नहीं होता है वो व्हाइट दिखता है, लेकिन जब बादल डेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसमें जो है पानी भर जाता है, आपका जो है वाटर ड्रॉपलेट से ज़्यादा हो जाती है, पानी बरसने वाला होता है, तो थिक हो जाता है। थिक होने की वजह से वो जो है जितनी स्कैटरिंग पहले कर पा रहा था उतनी नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली सही जाएगा। हालांकि ये चारों ही ऑप्शन जो है एग्जैक्टली नहीं सही दिए हुए हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आकाश के नीला दिखने या तारे टिमटिमाने का कारण क्या है। तो इसका कारण है कि एटमॉस्फेरिक जो आपको ब्लैंकेट टाइप का देखने को मिलता है अर्थ के अराउंड, वो ये करता है कि स्काई जो है ब्लू दिखता है और स्टार्स जो है चमकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया की लोकेशन ग्लोब में ग्लोब के हिसाब से देखें तो कैसी है। तो नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही होगा, उत्तरी अक्षांश पर और पूर्वी देशांतर पर। अगर किसी को एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है तो बिल्कुल हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, आपको याद है बहुत अच्छी बात है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द मून ऑफ द प्लैनेट, किसी भी ग्रह का सबसे प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है जुपिटर के पास, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है मेटामॉर्फिक रॉक्स ओरिजिनेट फ्रॉम विच रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है उनका ओरिजिनेशन कैसे होता है। तो इनका ओरिजिनेशन होता है इग्नियस से भी और सेडिमेंट्री से भी, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी चला जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट नॉलेज ऑफ द सिस्मिक वेव्स एंड द प्लेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड रिस्पेक्टिवली, भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान एवं जिस स्थान पर भूकंप आरंभ होता है वो क्या कहलाता है। तो दो स्थानों का नाम पूछा है, तो पहला तो एपी सेंटर होगा और दूसरा होगा ओरिजिन सेंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, एपी सेंटर और सेंटर ऑफ ओरिजिन, जहाँ से ओरिजिनेट होता है भूकंप वो सेंटर ऑफ ओरिजिन, और जहाँ सबसे पहले पता चलता है वो है एपी सेंटर। इन विच एरिया लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल पावर्स, राज्यसभा और लोकसभा की सामान्य शक्तियाँ आपको कहाँ पर किस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान संशोधन करने के विषय में जो है दोनों के पास इक्वल शक्तियाँ हैं। जैसे अबाउट फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज है, इसमें एक अधिकार देखने को मिलता है राज्यसभा का। ठीक है, इसमें लोकसभा का कोई इतना योगदान नहीं है। और रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट में भी राज्यसभा का योगदान नहीं, सबमिशन ऑफ डिडक्शन प्रपोजल इसमें भी राज्यसभा का ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगला है हु हैज़ कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ द फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से धन निर्गम का कार्य जो है किसके नियंत्रण में रहता है, हमेशा पार्लियामेंट के नियंत्रण में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द मनी बिल ऑरिजिनेट, यहाँ पर गलत एक टर्म आ गया, ऑरिजिनेट यहाँ पर होगा। मनी बिल जो है धन विधेयक, इसका ओरिजिनेशन कहाँ पर हो सकता है, किस सदन में, तो इसका आंसर होगा ऑफ कोर्स लोकसभा में। तो यहाँ पर एक अधिकार लोकसभा का है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, नियुक्ति का जो विधान है वो किस अनुच्छेद में लिखा है, आर्टिकल नंबर 163 में, ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल नंबर 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में है, आर्टिकल नंबर 153 में गवर्नर के बारे में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एट व्हाट रेट इज इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक व्हेन इट्स एक्सेस अमाउंट इज केप्ट विद द रिजर्व बैंक, किसी बैंक के द्वारा उसकी अतिरिक्त राशि को रिजर्व बैंक के पास रखने पर उसे किस दर पर ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ पर है रेपो दर, ठीक है, सॉरी रिवर्स रेपो होगी ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा, बी रिवर्स रेपो रेट। अगला क्वेश्चन है कि लोक अदालत के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर
डी सही जाएगा कि देर इज नो अपील इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लोक अदालत। बाकी वहाँ पर रॉन्ग है, जैसे ऑप्शन नंबर सी में गिवन है कि अभी तक कोई लीगल स्टेटस नहीं मिला है, हालांकि स्टैचुटरी स्टेटस दिया गया है 1987 में, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है उसने इसको एक स्टैचुटरी यानी वैधानिक स्टेटस दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि सप्लाई जो है वो किस फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये डिपेंडेंट नहीं है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि न्यू फर्म आर नॉट अलाउड टू इंटर द मार्केट, नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है किस तरह की मार्केट में, बताना है तो मोनोपोली जहाँ पर होती है। जो आप सुनते रहते हैं वर्ड, ये तो मतलब एक कॉमन सा वर्ड हो चुका है, जो भी थोड़ा बहुत भी बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। मोनोपोली का मतलब सभी को पता है कि एकाधिकार। विच टेक्स मोर टाइम इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या ज़्यादा समय लेता है, तो ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाता है, कम्युनिकेशन भी हो जाता है, एक्सचेंज भी कर लेते हैं, लेकिन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जो है विश्वास बहुत देर में बनता है, ठीक है, विश्वास बनाने में समय लगता है और तोड़ने में कुछ समय नहीं लगता। अगला है कि कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच गोस बियॉन्ड फंक्शंस एंड लेवल्स इज कंसिडर्ड, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह कैसा माना जाता है, यह है एज अ डायगनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रबंधक किसी विक्रेता को पहले खरीदी हुई कोई वस्तु वापस करने में सहायता प्रदान करता है तो वह कैसा सहारा ले रहा है, यानी कि मैनेजर क्या कर रहा है, तो मैनेजर एक योजनाबद्ध निर्णय का सहारा ले रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों पर बल और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा की व्याख्या करता है, इसको इंग्लिश में अगर देखें तो इन ड्यूअलिटी सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द एम्फेसिस ऑन द एरियाज ऑफ कंसेंट एंड नेगलेक्ट एरियाज ऑफ कंसेंट रिगार्डिंग इश्यूज रिलेटेड टू ड्यूअलिटी, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्मूथिंग, ठीक है, शमन करना, ऑप्शन नंबर बी। इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, इनपुट को आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये सीपीयू करता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। एनालॉग कंप्यूटर कैसा है, तो एनालॉग कंप्यूटर जो है लोअर लेवल पर कम्युनिकेट करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट कौन सी नहीं है, तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप भी इनपुट है, मॉनिटर यहां पर आउटपुट डिवाइस है, तो इनपुट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है द स्टोरेज दैट होल्ड्स इट्स डेटा आफ्टर पावर इज स्विच्ड ऑफ, तो पावर स्विच होने के बाद जो स्टोरेज जो है स्टोर रखती है वो कैसी होती है, वो नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जाएगा, नॉन वोलेटाइल। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रोग्राम के चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, व्हाट इज द डिस्प्ले ऑफ ए प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर, तो ये होता है फ्लो चार्ट, ऑप्शन नंबर सी। किसी प्रोग्राम को आप पिक्टोरियल बनाते हैं तो फ्लो चार्ट होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड एंशियंट टाइम में किसको कहते थे, तो कहते थे ओपियम को, यानी कि अफीम को, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने ग्रीन गोल्ड किसको माना है, वो है बैम्बू, ठीक है, इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन भी चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ग्रीन वैसे बैम्बू के लिए नहीं है, लेकिन ग्रीन जो है ग्रीन गोल्ड बैम्बू को बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ थाइमीन, थाइमीन की मात्रा सबसे ज्यादा किस में पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि उनमें से किस में थाइमीन यानी कि विटामिन B1 की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, तो ये आपका जो नट होगा वो होगा बादाम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ द मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन वॉज इन द टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी थी, ये बताना है। तो ये परसेंटेज है हमारा करीब 31.17%, कहीं कहीं पर 16% दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, सो हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश के पास। आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन किस स्टेट के पास है। राष्ट्रीय उष्ण बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, नेशनल एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर, यह है बीकानेर में, राजस्थान में बीकानेर में, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड? नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली द फॉल आर्मी वॉर्म हैज अटैक्ड विच क्रॉप इन इंडिया? अभी फॉल आर्मी वॉर्म यहाँ पर चर्चा में था, इसने भारत की किस फसल को प्रभावित किया है ये बताना है। तो इसका आंसर है आपका मेज, मक्के को इसने प्रभावित किया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली मेड फुली रिसाइक्लेबल प्लास्टिक? हाल ही में बनाया गया पूर्णतया पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पीडीके प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर ए, पीडीके प्लास्टिक। द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट ये रिलीज कौन करता है बताना है? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संगठन, तो ये कौन है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन है कि वीर शैव आंदोलन क्या केरल में शुरू हुआ था? नहीं, यहाँ पर केरल नहीं होगा, यहाँ पर होगा कर्नाटक। ये कर्नाटक में शुरू हुआ था, ये मूवमेंट कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था करीब 12वीं शताब्दी के शुरुआत में, ठीक है। कर्नाटक यहाँ पर सही होगा। दूसरा सही है कि वासो बन्ना ने और छन्न बासो ने इसकी शुरुआत की थी, जो उनके बेटे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर टू सही होगा, फर्स्ट गलत है। अगला है, रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया आ 1700 ईयर ओल्ड आइडल ऑफ बोधिसत्व हैज बीन फाउंड? ये क्वेश्चन आ सकता है, बोधिसत्व हमको कहाँ से मिला है करीब 1700 वर्ष पुराना? ये हमारा तेलंगाना से मिला है हमको, ठीक है। तो ये हमारा ओल्डेस्ट स्टूको स्कल्पचर बताया जा रहा है कि चूने के पत्थर से बनी हुई सबसे पुरानी मूर्ति ये अभी तक के खोजों में। अगला है कि एशिया सहयोग वार्ता की 16वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित होगी? ये दोहा कतर में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला है कि हमारा कौन सा एशिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने लीगल रिकॉग्निशन दिया है गे मैरिजेस को, ठीक है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? ताइवान ने, ऑप्शन नंबर सी, ऐसा करने वाले एशिया का पहला कंट्री बन गया है। ओटावा डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? ओटावा घोषणा संबंधित है आर्कटिक परिषद से, ठीक है, आर्कटिक काउंसिल से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, व्हाट इज द थर्मामीटर, वेयर इज द थर्मामीटर टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड? थर्मामीटर टेलीस्कोप कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है? हवाई द्वीप में, ठीक है, हवाई। अगला है, रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज अप्रूव्ड द परचेज ऑफ अपाचे हेलीकॉप्टर? अपाचे हेलीकॉप्टर हम किससे खरीदेंगे? हम लोग खरीदेंगे अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये, इनको रोमियो भी कहा जा रहा है, सॉरी यहाँ पर रोमियो अलग है, वो सबमरीन डिस्ट्रॉयर वो अलग चीज़ है, लेकिन ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, इन पर समझौता सितंबर 2018 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। यूएस से हम लोग खरीदेंगे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। ऊ जो है ये किस कैटेगरी में आएगा ये बताना है, हिंदी का पहला हमारा क्वेश्चन है। तो ये आएगा आपका पश्च समृत में, ठीक है, पश्च समृत। समृत इसलिए क्योंकि व्रत प्रकार का ओंठ बनेंगे, गोल ओंठ बनेंगे, और जो है उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग काम करेगा, इस वजह से ये पश्च समृत में आएगा। बताया ना है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु और एषण होगा, ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से। अगला है कि जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो वो कौन समास होता है? तो वो होता है आपका अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी। सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा? तो सुमित्रा में प्रत्यय होगा आ, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द अब कौन सा होगा? तो विकारी शब्द संज्ञा का होगा या सर्वनाम का या क्रिया का या विशेषण का? तो यहाँ पर आज, इधर, डी और ये अव्यय हैं, लेकिन ये आपका संज्ञा का शब्द है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का। अगला है चूड़ी अच्छी थी, इसमें थी जो है किस प्रकार की क्रिया है? ये आप लोग हमको लिख करके बताइए कमेंट में, ठीक है, इसको छोड़ रहे हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि सेवन क्वेश्चन बताना है कि भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो ये जब भरोसा किसी सेंटेंस में आएगा तो ये बनेगा आपका संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद शब्द है पर्यायवाची कमल का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और मनसिज जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? मनसिज का पर्यायवाची शब्द है कामदेव, ऑप्शन नंबर ए। अगला है योग का विलोम बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। योग का विलोम है आपका भोग, ऑप्शन नंबर डी। अगला है रेखांकित शब्द का विलोम बताइए,
तो यहाँ पर है आपका उत्तरीय है, तो उत्तरीय का मतलब होता है ऊपर पहने जाने वाला कपड़ा, जो नीचे पहने जाने वाला कपड़ा होता है उसको कहते हैं अधो वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी। आधि और व्याधि में आपको जो है शब्द युग्म का अर्थ बताना है, तो यहाँ पर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, व्याधि का मतलब होता है शारीरिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, और आधि का मतलब होता है मानसिक पीड़ा। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसका अर्थ क्या होगा, वो होगा अनुपम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द यहाँ पर छांटिए, 14 में बताना है शुद्ध शब्द क्या होगा, तो शुद्ध शब्द यहाँ पर है अभ्यस्त। ठीक है, इस तरीके से जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, अभ्यस्त इस तरीके से लिखेंगे। अगला है आपका कि शुद्ध वर्तनी बताइए यहां पर क्या होगी, तो जैसे श्मशान लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी में, इस हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, यहां पर आधा शा बनाते हैं पहले, फिर माँ लिखते हैं, फिर पूरा शा बनाते हैं एक, और फिर ना लगाते हैं, इस तरीके से श्मशान लिखते हैं। अगला है चाकू का बहुवचन क्या होगा, तो चाकू का बहुवचन होगा चाकू ही, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है काम निकलने के बाद सोचना। ठीक है, काम निकलने के बाद सोचना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है महामूर्ख, ऑप्शन नंबर सी। विहंगम दृष्टि का क्या अर्थ होता है, विहंगम दृष्टि का मतलब होता है सरसरी नजर, ऑप्शन नंबर सी। वैसे विहंगम का क्या मतलब होता है इंडिविजुअली, इसका मतलब होता है पक्षी। अब यहां पर पैराग्राफ होगा एक, ये गद्य के फॉर्म में भी हो सकता है और पद्य के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं कि ठेठ हिंदी का ठाठ, ये किसने लिखी है, या अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी है, हरिऔध जी ने। तो यहां पर एक पद्य दिया हुआ, इसको पढ़ लेते हैं। नए समाज के लिए नए जवान है, नवीन योजना के लिए नए विहान है, रश्मियां जगी जगी युगीन चेतना, प्राण प्राण के लिए उमंग भावना, हिंद के लिए सभी सशक्त नौजवान हैं, प्रांत क्षेत्रवाद के भाव हों कभी, हम भाई भाई एक हैं अलग नहीं कभी, एक मानव जाति की संतान है सभी, गांव गांव के विहाग राम में बंधे, राम राज्य के विचार कर्म से सधे, बाजुओं के जोर का हमें गुमान है। ये तो देशवासियों में अलगाव की समाप्ति का उपाय क्या है, अभी इस पैराग्राफ के आधार पर आप बताइए। तो अलगाव की समाप्ति का यहाँ पर उपाय है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है प्रांत क्षेत्रवाद के भाव ना हो कभी। ठीक है, यहाँ पर ना होगा, हम भाई भाई एक हैं अलग नहीं कभी, तो इसका मतलब यही है कि प्रांत क्षेत्र और सांप्रदायिकता से अलग होंगे। ठीक है, प्रांतीय और क्षेत्रीयता की समाप्ति होगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। भारतीयों को किस प्रकार का गर्व है, अब आपको बताना है इस पैराग्राफ के माध्यम से। वैसे तो इंडिकेट किया जा रहा है कि हमें अपने बाहुबल पर, ठीक है, अपने प्रोडक्टिविटी पर जो है गुमान है, लेकिन हम इसको चुनेंगे एकता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट जाना चाहिए। अगला है राम राज्य का यहाँ पर क्या अर्थ है, राम राज्य का यहाँ पर अर्थ है सबको समान सुख, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये ऐसा है जहाँ पर आपको कुछ भी डायरेक्टली नहीं मिलेगा। नए विहान का क्या मतलब है यहाँ पर, नए विहान का मतलब है नया युग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और नया विहान देश में क्या लाया है ये बताना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि नए समाज के लिए नए जवान है, नवीन योजना के लिए नए विहान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आप लोग लिख करके बताइए हमको कमेंट में। ठीक है, बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए इसमें। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे अपने साइंस और मैथ सेक्शन की। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा इसमें, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मोशन एंड सुपरफ्लुअस पार्टिकल एंड देयर इंटरकनेक्शन। तो जितने भी पार्टिकल होते हैं उनकी मोशन और बाकी सारी चीज़ों के एनालिसिस के लिए कौन सी ब्रांच का यूज़ किया जाता है, तो इस ब्रांच का नाम होता है क्वांटम मैकेनिक्स, और ये किसके अंदर आती है, फिजिक्स के अंदर, ऑप्शन ए। डिपेंडिंग ऑन विच लॉ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस डिजॉल्व्ड मैग्नेटिक बॉल, ये ट्रांसलेशन की एरर है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस विद्युत चुंबकीय बल, हिंदी मीडियम में एकदम सही लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के नाम से। इनको कैसे मेज़र करते हैं, कौन सा लॉ यूज़ होता है इनको मेज़र करने के लिए, तो इनके पीछे सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्टेंस में क्यों आते हैं, वो मूविंग चार्जेस की वजह से आते हैं, तो वही लॉ काम करेगा जो कि चार्ज से डील करता है, तो चार्ज से कौन डील करता है, कूलॉम्ब्स लॉ, ऑप्शन नंबर ए।
स्विमिंग इन द सी इज ईजियर देन स्विमिंग इन द रिवर। एक तरफ आपका समुद्र है, दूसरी तरफ नदी है। आप देखेंगे कि समुद्र के आसपास तैरना मतलब इतनी डीप में जाना नहीं, किनारे किनारे तैरना, ये कंपैरेटिवली आसान होता है जितना आप रिवर में तैरते हैं। मतलब रिवर में तैरते टाइम आप जितना फोर्स लगाते हैं उससे बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है आपको समुद्र में तैरते समय। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समुद्र के पानी में घुले होते हैं नमक और दूसरे सारे मिनरल्स, और इनकी वजह से उसकी डेंसिटी हाई चली जाती है। तो ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ सी वाटर, ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ यूज्ड इन गैस थर्मोमीटर। तो गैस थर्मोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हमारा कन्वेंशनल लिक्विड थर्मामीटर होता है जिसमें मर्करी यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर पाता। तो अगर उसमें हम गैस डिजॉल्व कर दें तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मेज़र करने में सक्षम हो जाएगा। यहाँ पे नाम से पता चल रहा है गैस थर्मोमीटर, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें गैस होगी। सोडियम गैस नहीं है, मर्क्यूरी और एल्कोहल ये सब गैस नहीं है, हाइड्रोजन एक गैस है। तो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन की सहायता से आप 500 डिग्री तक का टेम्परेचर आसानी से मेज़र कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नाइट्रोजन यूज़ करेंगे तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेज़र कर पाएंगे। विच ऑफ़ द फॉलोइंग कलर्स हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो जो हमारा विबग्योर स्पेक्ट्रम होता है, मतलब एक कन्वेंशनल स्पेक्ट्रम है जिसमें विजिबल आती हैं, और विजिबल के अंतर्गत चार, इनफैक्ट सात रंग होते हैं। तो आपको इन सातों रंगों में बताना है सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है। जब आप वी से आर की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ लगातार बढ़ती रहती है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हो जाएगी रेड कलर की, ऑप्शन नंबर डी। मतलब जिस कलर का मैं पेन चला रहा हूँ उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, ये आपको सबसे अधिक दूरी से दिखाई पड़ेगा। और रही बात फ्रीक्वेंसी की, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो फ्रीक्वेंसी, जैसे ही आप वी से आर की तरफ जाते हैं फ्रीक्वेंसी लगातार घटती जाती है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वायलेट की। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन परफॉर्म करता है कोई ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर बी, हिंदी में इसे बोलते हैं आवृत्ति। उसके बाद सात नंबर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर कैसे पहचानते हैं? आउटर मोस्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन इनके होते हैं, तो यहाँ पे सेमी कंडक्टर कौन सा है? सिलिकन, ऑप्शन नंबर डी। और सिलिकन मेनली यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटॉन। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गड़बड़ी है, यहाँ पे हमें मेन बात करनी है प्रोटॉन के बारे में। तो सबसे पहले, इट हैज़ नेगेटिव चार्ज। तो क्या उसका नेगेटिव चार्ज होता है? बिल्कुल भी नहीं, प्रोटॉन कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1919 बाई गोल्डस्टीन। एनसीईआरटी और बाकी रेलिवेंट सोर्सेज के हिसाब से गोल्डस्टीन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओनली टू इज करेक्ट, ऑप्शन बी। और वैसे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अर्नेस्ट रदरफोर्ड कर रहा था, लेकिन जो फाइनल क्रेडिट मिला था वो गोल्डस्टीन को मिला था। व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच एटम्स ऑफ मैटर आर आयनाइज्ड एट हाई टेम्परेचर। एटम वैसे तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो आयनाइज हो जाएगा और आपका स्टेट भी बदल जाएगा, चीज़ें थोड़ी सी पिघल जाएंगी। तो ऐसी जो स्टेट होती है मैटर की, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, ऑप्शन नंबर सी। द पाथ ऑफ द लाइट बीम इज विजिबल इन द डार्क रूम। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के अंदर जो लाइट होती है ना, वो स्कैटर ना होकर सीधे निकल जाती है। अगर वो जिस पार्टिकल से पास हो रही है उसका जो साइज है लाइट की वेवलेंथ से छोटा है, तो तभी आप डार्क कमरे में, या फिर यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये जो मैंने अभी बताया ये टिंडल इफेक्ट में नहीं होता है। क्या होता है? ये मान लीजिए पार्टिकल है और इसका साइज लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा है, जैसे ही लाइट इससे पास होगी ये सीधी ना जाके ऐसे जाएगी चारों तरफ बिखर जाएगी। और यही रीज़न है कि डार्क रूम में जो पार्टिकल होते हैं धूल के, उससे लाइट स्कैटर हो जाती है और आप उसका पाथ आसानी से देख सकते हैं, ऑप्शन बी। विच वन इज़ यूज विद नाइट्रोजन इन फ्लैश बल्ब। तो फ्लैश बल्ब में नाइट्रोजन के साथ आप यूज़ करते हैं सोडियम को, ऑप्शन नंबर ए।
आपने सुन रखा होगा सोडियम वेपर लैंप, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि सोडियम ही यूज होता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल पेयर्स आर द लाइटेस्ट एंड हैवीएस्ट रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये जो पेयर दे रखे हैं चारों ऑप्शन में, फर्स्ट प्लेस पे सबसे हल्का एलिमेंट होगा, सेकंड प्लेस पे सबसे भारी एलिमेंट होगा वो भी मेटल में, आपको बताना है कि वो पेयर कौन सा है। तो अगर मैं हल्के एलिमेंट की बात करूं तो उसको कहेंगे लिथियम, और जो भारी एलिमेंट है इन चारों ऑप्शन में से वो हो जाएगा हमारा ओस्मियम, तो ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो सारी होती हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी हार्डनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इनफैक्ट उनकी हार्डनेस बढ़ती जाती है। जैसे कुकर के पीछे जो हैंडल होता है ना, उसको कितना भी आप गर्म कर दीजिए वो कभी भी पिघलेगा नहीं। तो यहाँ पे पीवीसी, पॉलीस्टायरिन, पॉलीथाइलिन, ये सब के सभी थर्मोप्लास्टिक्स हैं। इसका मतलब ये है कि पिघलाने पे पिघल जाएंगे, प्लास्टिक बन जाएंगे, लेकिन जो ग्लिप्टल है वो थर्मोसेटिंग है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर। इन सब में पॉलीमर कौन सा है? केवल विनाइल क्लोराइड नहीं है, अगर पॉली विनाइल क्लोराइड होता तो ये हो जाता। यूरिया भी नहीं है, स्टार्च है। स्टार्च एक नेचुरल पॉलीमर है। स्टार्च को आप कैसे याद रख सकते हैं? जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितना भोजन उनको सर्वाइव करने के लिए चाहिए वो सब तो वो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी का है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, चाहे अपने फल के फॉर्म में, फ्रूट के फॉर्म में, या तो अपनी पत्ती के अंदर। तो जो भी फल होते हैं उनमें मेनली स्टार्च होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और कभी कभी ऑक्सीजन भी। तो यहाँ पे मेन एलिमेंट हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। मतलब इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और ये ऑर्गेनिज्म की पूरी पूरी क्लास दे रखी है चारों ऑप्शन में से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंगाई। तो यहाँ पे मोनेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनेरा जो कीवर्ड आया है वो मोनो से आया है, इसका मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द न्यूक्लियस इन मैक्सिमम क्वांटिटी। न्यूक्लियस के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन, उसके बाद डीएनए, और उसके बाद आरएनए। प्रोटीन की मात्रा होती है 65% के आसपास, ऑप्शन डी। उसके बाद 18 नंबर है, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। तो फ्लावर की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। साइटोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। बाकी कैकिडोलॉजी बोलते हैं कि प्लांट में अगर कोई डिजीज हो गई है तो उसका अध्ययन। विच पोर्शन ऑफ ग्वावा इज ईटन। अगर आप अमरूद की बात करें तो उसके कौन से भाग को खाया जाता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस भाग को खाया जाता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो उसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा मीजोकार्प, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखते हैं, वेयर डज अवर लाइफ गिविंग ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम। हम जानते हैं कि मानव शरीर अगर जीवित रहना चाहता है, इनफैक्ट अगर जीवित है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है 65%। वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कहाँ से आती है? सबसे पहले ये अगर मान लीजिए कोई पेड़ है, ये करेगा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म, और फोटोसिंथेसिस में जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो होता है ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होता है? कार्बन और इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये जो वाटर है ना, इसमें ऑक्सीजन का एटम आपको मिल गया, तो बस पानी से आती है ये, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखते हैं 21, आयरन इज अबंडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। तो चारों ऑप्शन में आपको उस फल का नाम बताना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको आयरन मिलेगा। क्या वो जैम्बुल है, या जामुन है, करौंदा है, लोकट है, कि अमरूद है? तो सबसे ज़्यादा आयरन होता है करौंदे में, ऑप्शन नंबर बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाईसैकेराइड। तो डाईसैकेराइड के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर कुछ ना दिया हो तो आपको ये मान के चलना है कि आपसे सही आंसर पूछ रहे हैं। दे आर मेड ऑफ टू मोनोसैकेराइड यूनिट। दो यूनिट जो मोनोसैकेराइड की होती हैं उनको मिला के डाईसैकेराइड बनता है क्या? जी हाँ, उसी से बनता है। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। इनके तीन टाइप होते हैं क्या? बिल्कुल तीन टाइप होते हैं, माल्टोस, ग्लूकोस
और सुक्रोज, ये तीन टाइप होते हैं डाइसैकेराइड के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। इन विच एरियाज इज द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज कॉमनली फाउंड। तो आयोडीन की कमी सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में होती है? क्या वो मैदानी क्षेत्र हैं, प्लेट्यू वाले रीजन है जैसे डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोस्टल एरियाज हैं जैसे कि मुंबई वगैरह, या फिर पहाड़ी इलाके जैसे उत्तराखंड। तो पहाड़ी जो इलाके होते हैं वहाँ पे आयोडीन की सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 24, इन विच मास्ट सेल्स आर देयर। तो मास्ट सेल कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं कनेक्टिव टिश्यू में, मतलब जो एक टिश्यू से दूसरे को जोड़ देता है, ऑप्शन नंबर सी। द एलिमेंट्स दैट मेक द बोन्स हार्ड आर मेनली मेड ऑफ। तो आपको वो दो एलिमेंट के नाम बताने हैं जिसके कारण आपकी हड्डियाँ स्ट्रांग बनी रहती हैं, और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है उसमें फ़र्क आ जाएगा और आपको वीकनेस भी फील होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले कैल्शियम। आप जानते हैं कि कैल्शियम की गोली कुछ लोग खाते हैं, टैबलेट लेते हैं उसकी, क्योंकि उनकी बोन्स में प्रॉब्लम होती है। तो कैल्शियम का जो फॉस्फेट होता है वो, और उसके अलावा मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल कम्प्लीटली डिवाइड ईच नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस तरीके का कोई नंबर है आपके पास? तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। इतने पोर्शन में से अगर आप एन कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन, और एन माइनस टू तो रहेगा ही। एन स्क्वायर माइनस वन क्या होता है? एन प्लस वन, एन माइनस वन और बाकी एन माइनस टू। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं? एन इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन टू, तो दो से बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दो से बड़ी सबसे पहली वैल्यू 3, तो एट एन बराबर 3। तो एन बराबर 3 पे ये 3, ये 4, ये 2 और ये 1, तो ये किससे कट रहा है? तो 3 चौक 12, ये 12 से कट रहा है। अभी इसको होल्ड पे रखिए, एन इज इक्वल टू 4 पे देखते हैं। ये 4, ये 5, ये 3 और ये 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 तियाई 12 दूनी 24, तो ये 24 से कट रहा है। और आपको बताना है लार्जेस्ट नंबर, तो 12 और 24 में जो छोटा है उसको हटा ही दीजिए। तो ये कट गया। उसके बाद 5 तो वैसे भी कट जाएगा क्योंकि 24 आ चुका है। उसके बाद एन इज इक्वल टू 5 पे देखते हैं, तो ये 5, ये 6, ये 4 और ये 3। तो ये 5 से कट रहा है, लेकिन उसको मैं पहले ही डिस्कार्ड कर चुका हूँ क्योंकि सबसे बड़ा बताना है हमको। उसके बाद बात यहाँ पे आके रुक जाती है कि 48 आंसर आएगा भी कि नहीं आएगा। तो n इज इक्वल टू 6 रख के देखते हैं। 6 × 6 = 7, फिर ये 5, फिर ये 4, तो 48 देखिए नहीं आया। 5 पे रख के देखते हैं, 5 × 6 × 4 × 3, तो 6 × 6 = 24, 3 = 72, तो नहीं हुआ। उसके बाद एक चांस और लेते हैं, 7 रख के देखते हैं। तो ये 7, ये 8, ये 6 और ये 7 में 2 गया 5, तो 8 × 6 = 48 आ गया। तो ये नंबर 48 से कट जाता है। तो 24 48 में बड़ा कौन? 48, ऑप्शन नंबर डी। इफ 30% ऑफ ए, तो ए का 3% मतलब 3/10वां हिस्सा, तो 3a/10 इज एडेड टू 40% ऑफ बी, 4/10 ऑफ बी, तो आंसर क्या आएगा? इट बिकम्स 80% ऑफ बी, यानी 8/10 ऑफ बी। तो आपको बताना है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। तो इस पूरी चीज़ को उधर भेजेंगे तो हो जाएगी नेगेटिव, तो 3/10 ऑफ ए, और ये हो जाएगा 8 में 4 गया 4, 4b/10, 10 से 10 कट गया। ए बाई बी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 4/3। तो सामने सामने वैल्यूज़ को ट्रू मान लेते हैं। जैसे ए के सामने 4 है तो ए बराबर 4, बी के सामने 3 है तो बी का मतलब 3। बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए, ये जो 3 है वो 4 का कितना परसेंट है? तो 3/4 × 100, 3/4 होता है 75%, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आते हैं 28 पे। आपको रेशियो दे रखे हैं 3:4, 5:7, 1:11, तो a:b बराबर इतना, उसके बाद में b:c बराबर इतना, c:d बराबर 1/11। वॉट इज़ द मिक्स्ड रेशियो? तो मिक्स्ड रेशियो जब आपसे पूछें तो सिर्फ a/d आपको याद रखना है,
शुरुआत वाला एलिमेंट और आखिरी वाला एलिमेंट, इसके बारे में बात करनी है। तो ए बाई डी मिलेगा कैसे? आप ए से चले डी पे पहुंच गए, इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी को आपने रास्ते पे छोड़ दिया। अब ये मैंने क्या कहा आपको समझाता हूँ। हमें ए बाई बी पता है ना? पता है। बी बाई सी पता है ना? बिल्कुल पता है। इसी तरीके से हमें सी बाई डी भी पता है। अगर आप देखें तो बी से बी और सी से सी कट जाता है ना, अगर इन तीनों रेशियो को आपस में गुणा कर दें तो। तो आपने देखा बी और सी रास्ते में छूट गए, सिर्फ ए बाई डी बच गया। तो हम लोग ए बाई डी निकालने के लिए ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी कर देंगे, बात ख़त्म। 3/4 इंटू 5/7 इंटू 1/11, तो क्या कितना हो जाएगा? 4 × 7 = 28, 28 × 11 ये 2 = 8, ये 3, और ये 3 × 5 = 15, 15/308 यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर बात करेंगे इसके बाद, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या है लिख देते हैं पहले, √20 + √12 डिवाइड बाई √5 - √3। तो अगर आप √20 को देखें तो √20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5। उसी तरीके से √12 को 3 × 4, उसके बाद है √5 - √3। 4 × 5 लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि ये बन गया 2√5, और ये कितना बन गया, 2√3, और ये प्लस में है, और ये है अपना √5 - √3। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा कॉन्जुगेट से, तो ये 2√5 + 2√3, और ये √5 - √3। अगर हम ऊपर दो कॉमन ले लें तो बच जाएगा √5 - √3, और ये कितना रहेगा, जो है वही रहेगा √5 - √3। तो दो को एक तरफ बाहर रहने देते हैं, बाकी इसको रैशनलाइज करा देते हैं। तो √5 - √3, √5 ये प्लस है, प्लस √3, √5 + √3, और ये नीचे कितना हो जाएगा, √5 - √3 और √5 + √3। डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखें तो आता है स्क्वायर का डिफरेंस, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 में 3 गया 2, तो ये पूरा का पूरा 2 है, ये नीचे जितना भी है, तो ये 2 से 2 कट गया। √5 + 3 का स्क्वायर, √5 + √3 का स्क्वायर, मैं सारी चीज़ें हटा के √5 + √3 का होल स्क्वायर निकालता हूँ, दिस इज़ होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 5 ये 3 + 2, 5 × 3 = 15, √15, ये 8 + 2√15 हुआ। अगर आप दो कॉमन ले लें तो 2 = 4 + √15 हो गया, तो 2 × 4 + √15 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर बात करते हैं, इन अ क्लास ऑफ 40 बॉयज़, तो ये मैं लिखता हूँ सबसे पहले नंबर, सबसे पहले बात करी हमने 40 लड़कों की, द एवरेज वेट इज ऑफ 30 इज 60 kg। अब ये जो 40 हैं इनमें ये रहे 30 लड़के और ये रहे 10 लड़के, जो 30 हैं उनका एवरेज वेट 60 दे रखा है, ये मैं लिखता हूँ वेट, और जो बाकी के 10 हैं उनका एवरेज वेट 56 है। आपको बताना है कि ये जो 40 हैं इनका एवरेज वेट क्या होगा, तो ये निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे इसमें वेटेड एवरेज। अब ये वेटेड एवरेज कैसे निकलता है, ये जो नंबर हैं इनको चाहें तो आप एब्सोल्यूट ले लें, अदरवाइज़ रेशियो भी ले सकते हैं, 10 ones are 10 threes are, इससे आप देखेंगे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो 60 × 3 + 56 × 1 डिवाइड बाई, डिवाइड करते हैं हमेशा रेशियो के सम से, 3 × 1 = 4, 60 × 3 = 180, और ये 56/4, 180 + 56 यानी कि 236, 236/4 आधा करेंगे तो 118 होगा, उसका आधा करेंगे तो 59 होगा, 59 kg यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। कंपाउंडेड एनुअली एनी अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 3 years, कोई प्रिंसिपल है मान लीजिए पी, वो पी से हो गया 3p, मतलब ट्रिपल हो गया। आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए और आप उससे ले रहे हैं 300 रुपये, ऐसी कुछ बात यहाँ पर की जा रही है, मतलब ऐसी बात नहीं की जा रही, सॉरी, डबल,
100 रुपये दिए, 200 रुपये लिए, ये मतलब है कहने का, यानी पी से टू पी। और इसमें समय कितना लगा, 3 साल लगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सिर्फ ये देखते हैं कितने गुना हुआ, फाइनल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू, तो ये 2 गुना हुआ। 2 गुना होने की जो प्रॉपर्टी है वो आपको बता देता हूँ, 3 साल में 2 गुना हुआ ना, तो हर एक 3 साल में भी 2 गुना होगा। अगर इस 2P से मैं 3 साल आगे चला जाऊँ तो ये 2P का डबल 4P हो जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। इन हाउ मैनी ईयर्स एट द सेम रेट इट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओन। पी से कितना होना चाहिए, 4P होना चाहिए। ये तो हो गया 3 साल यहाँ से, 3 साल यहाँ से, तो टोटल 6 साल ही तो लगे। ऑप्शन नंबर बी। अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट इट्स परचेज प्राइस ओनली। जो दुकानदार है वो ये दावा करता है कि वो जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेचे दे रहा है, वो कोई भी प्रॉफिट आपसे नहीं कमा रहा है। बट इंस्टेड ऑफ 1 kg, 1 किलो उसको सामान देना है, लेकिन उसने क्या किया, 200 ग्राम की चोरी कर ली। यानी कि देना उसको चाहिए था 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम, लेकिन उसने दिया सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम। 200 ग्राम की उसने क्या कर ली, चोरी कर ली। आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप इसमें ये मान लें 1 ग्राम की जो कीमत है, लागत कीमत, जितने में वो खरीद के लाता है, वो 1 रुपए है, तो दुकानदार की जेब से 1000 रुपए लगने चाहिए थे, लेकिन उसने लगने कहाँ दिया, 200 रुपए की उसने चोरी कर ली। दुकानदार के जो जेब से लगा है वो 800 रुपए है, अगर 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है तो, और उसने बेच कितने में दिया, 1000 रुपए में। 200 का प्रॉफिट हो गया कितने पे, डिवाइड हमेशा करते हैं कॉस्ट प्राइस से, यानी कि जो पैसा जेब से लगता है उससे डिवाइड करते हैं, 200 बटे 800, यानी 1/4, जिसका मतलब होता है 25%। ऑप्शन बी। ए बी सी एंड डी शेयर देयर प्रॉफिट इन अ बिजनेस पार्टनरशिप एज फॉलोज। ए बी सी और डी, इन चारों ने किसी पर्टिकुलर बिजनेस में अपना पैसा लगाया और जो उस पैसे से जो प्रॉफिट मिला वो इन तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्या वो तरीका है, ए इज टू बी, ए शेयर वर्सेस बी शेयर, ये बराबर होगा बी बाई सी और ये बराबर होगा सी बाई डी, इतना है। तो ए इज टू बी हमारा 1:3 है और इतना ही रेशियो बी इज टू सी और सी इज टू डी का है, 1/3, 1/3। तो अगर आपको ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालना है तो सबसे पहले इन दो रेशियो को मर्ज कर लीजिए। यहाँ पे बी की पोजीशन 3 है जबकि यहाँ पे 1 है, तो इधर भी 3 होनी चाहिए कायदे से, तो 3 से सेकंड इक्वेशन को मैंने गुणा कर लिया, ये आ गया 1:3:9। अब इस रेशियो को इस वाले के साथ सी वर्सेस डी के साथ मर्ज करता हूँ, तो सी की प्लेस पे यहाँ पे 3 है जबकि डी के प्लेस पे यहाँ पे पता नहीं, सॉरी सी की प्लेस पे यहाँ पे 1 है जबकि डी के प्लेस पे 3 है। तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी अब फाइनल मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे सी की पोजीशन 3 है जबकि यहाँ पे सी की पोजीशन 1 है, सॉरी 9 है 1 है, तो 9 होनी चाहिए ना, तो 9 से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने इसको, तो 1:3:9 और ये हो जाएगा, दिस इज 27, तो 27, 3, 30, 31, 39, 40। अगर टोटल 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो ए को मिले हैं 1 रुपये, बी को मिले हैं 3 रुपये, सी को 9 रुपये जबकि डी को 27 रुपये, यही तो मतलब हुआ रेशियो का। सवाल के हिसाब से प्रॉफिट 40 का नहीं, 4 लाख का हुआ है, इनफैक्ट 40,000 का, 4 लाख का ही हुआ है सॉरी, तो 40 बराबर 4 लाख, इस तरीके से लिखा जाता है 4 लाख, 0 से 0 कटा, ये बचा 40,000, तो 1 यूनिट की मतलब हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। जो भी आपको दिया हुआ है रेशियो 10,000 का गुणा करके आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने कितने रुपए प्रॉफिट के तौर पर कमाए हैं, लेकिन बताएंगे सिर्फ उसी का जिसका पूछा है। 27 का मतलब बताना है तो 27 × 10,000 यानी कि 270,000। ऑप्शन नंबर डी। 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, 2 लीटर्स ऑफ, यहाँ पे हिंदी में देखते हैं, 10 लीटर दूध में से 2 लीटर दूध निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया 2 लीटर पानी से। इसका मतलब पहले इनिशियल क्वांटिटी अगर 10 थी तो अभी भी 10 है क्योंकि जितना निकाला उतना डाल दिया,
हाँ ये बात बिल्कुल अलग है कि पहले दूध निकाला, पानी डाल दिया, मिक्सचर को लगातार इम्प्योर किया जा रहा है, दूध पानी की जगह ले रहा है, अगर आप समझ पा रहे हैं ध्यान से। तो यहाँ पे कौन किसकी जगह ले रहा है? दूध की जगह पानी ले रहा है। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि दूध कितना बच रहा है हर एक ऑपरेशन के बाद। और लिखा हुआ है कि दोबारा ऐसा किया गया, मतलब फिर से आपने 2 लीटर दूध निकाल लिया और उतना ही पानी डाल दिया। अब आपको ये बताना है कि दूध कितना रह गया है इन दोनों ऑपरेशन के बाद। तो बहुत आसान है, जैसा कि मैंने बोला कि हमें सिर्फ फोकस करना है कि दूध कितना कितना बचा है। टोटल 10 था, 2 निकाल लिया, कितने हिस्से निकाले आपको फ्रैक्शन बताना है, कितना आपने निकाला। अगर 10 था तो 2 निकाल लिया, 2/10 यानी 1/5। तो 1/5 निकाल लिया तो इसका मतलब आप ये बताइए बचा कितना, 1 -1/5 यानी कि 4/5, 4/5 बचा है। तो ये जो 10 है इसको मैं 4/5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा क्योंकि इतना ही बचा है, उसके बाद मुझे ये मिल जाएगा। अब ये जो इतना मिला इसका फिर से 4/5 करेंगे क्योंकि प्रोसेस रिपीट हो गया, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, सीधे कैलकुलेट करके बताएंगे दूध कितना बाकी है। ये हो जाएगा 5 2 4 4 16 2 32/5 यानी 6.4, 6.4 लीटर यहाँ से करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि पानी निकाल रहे हैं, तो आपको ध्यान इस बात पे देना है कि दूध कितना बच रहा है हर एक ऑपरेशन के बाद, और जितना हिस्सा बच रहा है उसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करा दीजिए जितनी बार आपने ऑपरेशन परफॉर्म कराए। तो मैंने 4/5 से 2 बार इसलिए कराया क्योंकि वह ऑपरेशन जो है वो 2 बार परफॉर्म हुआ है। अ पुलिस मैन रशेस टू कैच अ थीफ स्टैंडिंग 100 मीटर्स अवे। ये अगर पुलिस वाला है और ये चोर है, पुलिस वाले की नज़र चोर पे सबसे पहले कब पड़ी? जब इनके बीच में 100 मीटर का गैप था ऑलरेडी। ये कहने का मतलब यहाँ पे है, आई थिंक सबको सिचुएशन तो ज़रूर समझ में आई होगी। इफ़ द पुलिस मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 8 मिनट्स एंड द थीफ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, दोनों ही 1 किलोमीटर कवर करते हैं लेकिन पुलिस वाला 8 मिनट लेता है जबकि चोर लेता है 10 मिनट, तो जाहिर सी बात है पुलिस वाला तेज दौड़ रहा है तो इसका मतलब चोर का पकड़ा जाना तय है। क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देन वॉट वॉज द डिस्टेंस कवर्ड बाई द थीफ बिफोर बींग कॉट। तो जैसा मैंने बोला कि चोर को अल्टीमेटली पकड़ा जाना है, तो जब चोर पकड़ा गया उससे पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था, इस बारे में आपको बात करनी है। तो यहाँ पे पकड़े जाने और मिलने का टेक्निकल मीनिंग समझ लेते हैं। टेक्निकली अगर आप बात करें तो पकड़े जाने का मतलब यही तो हुआ कि दोनों चोर और पुलिस वाला सेम टाइम पे एक जगह पे पहुंच गए। मान लीजिए यहाँ पे पकड़ा तो इस टाइम पे दोनों एक जगह पे हैं मौजूद, तभी तो पकड़ा। तो क्या बात आपने नोटिस करी कि टाइम हो गया सेम, T1 = T2, T1 जो पुलिस ने टाइम लिया, T2 लिया चोर ने, तो ये टाइम सेम है। फ़र्क किसका है? फ़र्क है डिस्टेंस और स्पीड का। डिस्टेंस का फ़र्क क्यों है? क्योंकि पुलिस वाले की नज़र चोर पे तब पड़ी जब वो 100 मीटर पे ऑलरेडी खड़ा हुआ था, उतनी दूर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो T1 = T2 है, इस टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस चोर चलेगा पुलिस वाला उससे 100 मीटर ज़्यादा चलेगा, यही तो मतलब हुआ। और ऊपर से उनकी स्पीड भी अलग अलग है। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चोर की, तो चोर का डिस्टेंस मैंने मान लिया डी, उसकी स्पीड कितनी है चलिए समझते हैं। जो चोर है वो 1 किलोमीटर 10 मिनट में कवर करता है, तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितने किलोमीटर? 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो इससे मुझे स्पीड मिल जाएगी चोर के किलोमीटर पर आर में, 60/10 यानी 6। उसी तरीके से पुलिस वाला जो है 10 मिनट में, इनफैक्ट 8 मिनट में, 8 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, तो ये बताइए 60 मिनट में कितना चलेगा? 60/8, 4 2 = 4 = 15, ज़्यादा से 7.5, तो स्पीड में भी फ़र्क आ गया। तो D/6 = D+100/7.5। चोर के डिस्टेंस को चोर की स्पीड से डिवाइड किया, पुलिस के डिस्टेंस को पुलिस की स्पीड से डिवाइड किया, और दोनों के टाइम सेम है मैंने आपको बता दिया। तो बस सॉल्व करेंगे आंसर पाएंगे, 7.5D = 6D+100। 6D जाएगा उधर तो हो जाएगा नेगेटिव, 1.5D = 100,
तो डी बराबर हो जाएगा 100/1.5। ये पॉइंट हटाएंगे, 10 को ऊपर लाएंगे, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे 6 और 7.5 हमने किस में लिए, किलोमीटर पर आर में, तो डिस्टेंस भी किलोमीटर में होना चाहिए ना। तो ये 100 ना हो के दिस शुड बी 0.1, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 100 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, दिस इज 1/10 यानी 0.1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6D+6×0.1 इज इक्वल टू 7.5D, यानी कि 1.5D इज इक्वल टू 6×0.1। 1.5 इसको 4 बार में काटेगा तो 0.4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब चूंकि 0.4 किलोमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कराना पड़ेगा, इनफैक्ट 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो ये आ जाएगा 400 मीटर। तो 400 मीटर चोर भाग गया जब तक वो पकड़ा गया, यानी कि ऑप्शन बी। ए टेक्स 8 आर मोर देन द टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू वर्क टूगेदर। ए और बी कुल मिला के जितना समय लेते हैं, ए अगर उस काम को अकेले करने बैठा तो 8 घंटे एक्स्ट्रा लेगा, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। एंड बी टेक्स 4.5 आवर्स देन द टाइम टेकन बाई ए एंड बी टुगेदर। और जितना समय ए और बी लेते हैं, अगर बी उस काम को करने बैठा तो 4.5 घंटे एक्स्ट्रा लेगा। टू डू दिस वर्क अलोन फाइंड हाउ मैनी आवर्स ए एंड बी टुगेदर विल डू दिस वर्क। तो कई सारे इसके तरीके हो सकते हैं, एफिशिएंसी मेथड। ए जो है वो 8 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, बी जो है वो 4.5 लेता है, इसका मतलब बी ज़्यादा एफिशिएंट है। लेकिन उससे अच्छा तरीका है ऑप्शन मेथड। हमसे पूछा है ए और बी दोनों मिलके कितना लेंगे, तो ए और बी जो हैं वो दोनों मिलके ऑप्शन ए के हिसाब से 4 घंटे ले रहे हैं, दिस इज 4 आवर्स। कंडीशन नंबर एक के हिसाब से अगर ए इस काम को अकेले करने बैठा तो 8 घंटे एक्स्ट्रा लेगा, यानी कि 4 8 12 इतने घंटे लेगा। तो टोटल वर्क मैं मान लेता हूँ 4 और 12 का एलसीएम यानी 12। तो जहाँ तक ए प्लस बी का सवाल है, 12 यूनिट करते हैं 4 दिन में, तो एक दिन में 3 यूनिट करते होंगे। इसी तरीके से ए सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट कर पाता होगा क्योंकि वो 12 घंटे में 12 काम करता है। तो इक्वेशन को लेस करने पर ए से ए कट जाएगा, जबकि बी की एफिशिएंसी 3 में से 1 गई 2। बी कितना टाइम लेगा, 12/2 यानी 6। ए प्लस बी ने कुल मिला के 4 घंटे लिए जबकि बी ने 6 घंटे लिए। एक्स्ट्रा की अगर आप बात करें तो कितने घंटे एक्स्ट्रा हुए, 2 घंटे, जबकि सवाल के हिसाब से 4.5 घंटे होने थे। गलत है ये ऑप्शन। उसके बाद बी पे आएंगे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग है। बी के हिसाब से ए प्लस बी 5 घंटे लेते हैं। तो कंडीशन नंबर एक के हिसाब से अगेन ए जो है वो 8 घंटे एक्स्ट्रा लेगा, यानी 5 8 13, 13 का और 5 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 65। तो टोटल वर्क हमारा ये हो गया। ए प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे, 5 दिन में 65 अगर करते हैं तो 65/5 यानी 13। उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अगर ए की बात करें तो वो कितना लेगा, 5। इनफैक्ट 5 यूनिट प्रतिदिन करेगा, ए से एक कटा, यह आ गया 13 में से 5 गए 8। तो बी द्वारा जो लिया गया समय है वो 65/8 है, यानी 8 पॉइंट समथिंग। और ए प्लस बी 5 लेते हैं, तो सवाल के हिसाब से कितने का फ़र्क है, 4.5, जबकि हमारे हिसाब से 3 पॉइंट समथिंग का। गलत है ये भी। उसके बाद ऑप्शन सी को ट्राई करते हैं, अगर सी सही हुआ तो टिक कर देंगे, अगर गलत हुआ तो डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल सी की को कंसिडर करेंगे। ए और बी अगर 6 दिन लेते हैं तो ए कितने लेगा, 8 घंटे एक्स्ट्रा यानी 14। 14 6 का एलसीएम हो गया 42। ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 7, केवल और केवल ए की हो जाएगी 3। लेस करेंगे, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 7 में से 4, 3 गया 4। बी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 10.5। ए और बी लेते हैं 6, जबकि सिर्फ और सिर्फ बी लेता है 10.5, यानी 4.5 घंटे का फ़र्क पड़ गया। सवाल के हिसाब से भी इतने ही घंटे का फ़र्क पड़ना था। कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2310 एंड एच सी एफ. दिस इज नॉट एम सी बट एच सी एफ. एच सी एफ इतना है. इफ वन ऑफ देम इज 210 फाइंड द अदर. तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ. फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला नंबर 210, दूसरा पता नहीं, तो सेकेंड को वैसा ही लिखा रहने देंगे. एल सी एम हमारा 2310 है जबकि एच सी एफ कितना है 30 है. जीरो से ये जीरो कटा, 21 ने 231 को 11 बार में काटा, तो दूसरा नंबर आ गया हमारा 30 गुणे 11 यानी 330. ऑप्शन नंबर डी. इफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान के दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x. एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे केवल 2 बचेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये भी कितना आ गया 4 माइनस 2 यानी 2. अब यहाँ पे दोनों तरफ मैं 2 ऐड करता हूँ और ये करने का पर्पस आप समझ लीजिए, ये 2 प्लस 2 यानी 4. अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 है ये आपको फिर से वहीं पे ले आएगा, तो ये करने का मतलब नहीं निकला. दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है. तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस कट जाएगा, 2 ही बचा रहेगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 कितना होगा, 4 में से 2 गया 2, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो गया. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कम से कम एक क्वेश्चन आप मान के चलिए पेपर में आएगा, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना ये लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ए एक्स माइनस बी वाई यहाँ पे है, तो अगर मैं बी वाई से बी वाई काट दूँ तो ये नेगेटिव का साइन है ना, पॉजिटिव के साइन के साथ भी बी वाई चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को बी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी. आप देखेंगे इनको इनको ऐड करने पर ये से ये कट जाएगा, अगर आप एक्स कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बच जाएगा. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये जाके ऐड हो जाएगा बी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी में. एल एच एस में एक्स टाइम्स ऑफ ए प्लस बी तो रहेगा ही, आर एच एस में अगर आप ए प्लस बी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी. माइनस से बी और प्लस से बी आपस में कट जाएगा, ए प्लस बी एल एच एस आर एच एस में कट जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा ए. इसको आप इस इक्वेशन में रख देंगे ए प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी में, ए से ए कट जाएगा, वाई बराबर बी आ जाएगा, तो एक्स बराबर ए वाई बराबर बी यानी कि ऑप्शन डी. अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 25 मीटर लेंथ एंड 40 मीटर ब्रेड्थ. तो मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि हमारी लंबाई कम है 25 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 40 मीटर है. उसके बाद इसमें होता ये है कि एक पाथ इसके चारों ओर घूम जाता है, और जब कुछ ना दिया हो तो आप ये मान के चलेंगे कि पाथ हमें बाहर से ही बनाना है. तो मैं डिफरेंट कलर से पाथ को बाहर बना के बताता हूँ. ये पाथ को हम बनाएंगे ग्रीन कलर से, तो ये जो पाथ है इस तरीके से आपका बन जाएगा, और ये जो रेड से ग्रीन के बीच की दूरी है ये लगातार हर तरफ से, इधर से भी इधर से भी और चारों तरफ से भी कहीं से भी, ये हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी, सेम रहेगी 6 मीटर. आई थिंक ये भी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी. आपको ये बताना है कि इस पाथ का एरिया क्या होगा, यानी कि ये जो बाहर 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 का एरिया है ये सब क्या हो जाएगा. तो चलिए इसमें अलग तरीके से इसको निकालते हैं. अब आप ये बताइए, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से ये बढ़ा दूँ, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, ये वाली 25 पहले से थी, 6 इधर से बढ़ाई, 6 उधर से बढ़ाई, 25 12 37, और ये जो इसकी चौड़ाई है ये तो 6 रहेगी. सेम टू सेम रेक्टेंगल आपको नीचे भी मिलेगा, ये भी 37 और ये भी 6. अब मैं इसको थोड़ा ग्रीन से कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों एरियाज हमको निकाल करके बताने हैं, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों एरियाज जो ग्रीन ग्रीन है, जिसपे मैं अभी लगातार पेंट कर रहा हूँ. ये दोनों एरिया पता है कैसे निकलेंगे, ये दोनों के दोनों आपके हैं तो रेक्टेंगल ही ना. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई.
37 इंटू 6, लेकिन ये तो इस फिगर का है ना, सेम टू सेम फिगर नीचे भी है ना, तो डबल कर दो। अब उसके बाद ये दोनों जो बचे हुए एरियाज हैं जो खाली खाली दिख रहे हैं, इनको मैं ब्लू से रंग के आपको बताता हूँ। तो ये जो ब्लू से मैंने रंग दिए दोनों, इनका शेप क्या है? एक बार फिर से, ये दोनों रेक्टेंगल ही हैं और कहीं कुछ नहीं। तो रेक्टेंगल का एरिया फिर से लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। चौड़ाई तो आपकी वही 6 रहेगी, लेकिन इस लंबाई के बारे में ज़रा बात कीजिए। ये पूरी की पूरी लंबाई आपकी 40 थी, 6 इधर से कम कर दो, 6 इधर से कम कर दो, 28 हो जाएगी। यानी 28 गुणे 6 इसका एरिया हो गया। ऐसा सेम टू सेम रेक्टेंगल सामने भी है, तो डबल कर दो, इनको ऐड कर दो, बस आंसर आ जाएगा। 6 गुणे 2 मैं दोनों तरफ से कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं? तो 12 हमने कॉमन ले लिया और ये बच गया 37 प्लस 26, इनफैक्ट 28 है ये। यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, ये जो पूरी लेंथ है ये 28 नहीं, यही तो 40 होगी, क्योंकि ये जो रेड वाली है ना, ये मैंने शुरू में 40 बताई थी। ये जो पूरी लेंथ है ये ज़्यादा होगी, और वैसे भी उसको लेने का कोई मतलब नहीं है। ये जो लेंथ है ये 28 ना हो के दिस विल बी 40, तो ये 40 हो जाएगा। अगर आप 12 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 40 और 37 कितना हो गया? 74। 74 गुणे 12 77, 40 37 77। इसको लिख सकते हैं 80 माइनस 3 गुणे 12, 12 अट्ठे 96 यानी 960, और 12 तियाई 36, ये कितना आ गया? 924, 924 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। डिफरेंट कलर से इसीलिए बनाया था जिससे लेंथ और ब्रेड्थ सिलेक्ट करने में कोई कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। ये ग्रीन वाले तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब ये ब्लू वाली लेंथ हम लोग निकालने गए, तब मैंने गलती से ये समझ लिया था कि ये पूरा डिस्टेंस 40 है। ये पूरा डिस्टेंस 40 नहीं है, बगल में ये हल्की सी रेड लाइन आपको ये दिख रही है ना, यहाँ से भी आप हिंट ले सकते थे कि ये 40 होना चाहिए। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डायगनल्स इन एन 18 साइड क्वाड्रिलेटरल? मतलब कोई भी एक फिगर है, 2D फिगर है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें आपको नंबर ऑफ डायगनल बतानी है जबकि नंबर ऑफ साइड आपको गिवन है। तो नंबर ऑफ डायगनल जब का फॉर्मूला क्या होता है जब साइड गिवन हो? ये होता है NC2 - N। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, डायरेक्ट एप्लीकेशन इसका होगा, तुरंत आंसर आएगा, जहाँ पे N क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे लिखते हैं NC2, 18C2 - 18। C2 कैसे निकालते हैं? 18 × 17 डिवाइड बाई 1 × 2, क्योंकि C2 - 18, 2 9 17 99 153, 18 लेस करेंगे तो 135 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। एन आर्क 22 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ अ सर्कल मेक्स एन एंगल ऑफ 72 एट द सेंटर। तो ये अगर मान लीजिए आपका सर्कल है और ये सी आपका सेंटर है, यहाँ से जो एंगल बनेगा वो बनेगा 72 डिग्री, और ये जो सर्कमफ्रेंस पे डिस्टेंस चली जाएगी ना, जिसको हम आर्क कहते हैं, ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। एक लाइन यहाँ से डालेंगे, एक लाइन यहाँ से डालेंगे, ये एंगल 72 डिग्री का है और ये डिस्टेंस है पूरी की पूरी 22 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि ये जो डिस्टेंस है ये तो रेडियस है, सब समझ चुके होंगे अभी तक, तो ये दोनों डिस्टेंस सर्कल की रेडियस है और आपको बताना भी यही है। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वापस यहाँ तक, इस लेंथ को क्या कहते हैं? इस लेंथ को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। किस चीज़ की सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस ऑफ रीजन, रीजन या फिर आप कह सकते हैं सेक्टर। इस सेक्टर की सर्कमफ्रेंस क्या होती है? ये डिपेंड करती है पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे, यानी 2πr। अब इसको गुणा करते हैं थीटा से और डिवाइड करते हैं उस थीटा को 360 से, ये यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी। पाई हमारा होता है 22/7 और ये थीटा यानी 72 और डिवाइड बाई 360 इंटू आर, और ये पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस है 22 की। इसको सॉल्व करेंगे, 22 से 22 काट देंगे, 72 × 5 ये 7 5 35 उधर जाएगा, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 35 = 2R।
तो आर बराबर 35/2 यानी 17.5 सेंटीमीटर। कहाँ पे है ये? ऑप्शन नंबर ए में। अ कोन इज कट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस या फिर हाइट बाय एन इंसीजन पैरेलल टू इट्स बेस। आप जानते हैं कि कोन इस तरीके से बनता है। ये डिस्टेंस हो गई रेडियस और ये डिस्टेंस हो गई हाइट और ये एंगल हो गया 90। अब ये जो कोन को काटा गया ना, हाइट के मिड पॉइंट से काटा गया यानी समथिंग यहाँ से, और मिड पॉइंट है इसलिए ये डिस्टेंस हो जाएगा h बाई टू आधा और ये डिस्टेंस हो जाएगा h बाई टू। अब इस कोन को किसी डिफरेंट कलर से काट के बताता हूँ आपको। कोन को आपने इस तरीके से काटा ये, तो इससे आप देखेंगे कि एक कोन ऊपर बन गया ये रेड वाला, और एक कोन ये पूरा है रेड और ब्लू मिला के, और ये जो बाकी का रीजन है ये बाल्टी टाइप का बन जाएगा अगर आप इससे ये काट देंगे तो। और इस चीज़ को बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाले को फ्रस्ट्रम। और काटने से दो पार्ट हुए, एक तो ये रेड वाला कोन अलग हो गया और ये ब्लू वाला जो हमारा फ्रस्ट्रम है वो बच गया। आपको ये बताना है रेशियो ऑफ बोथ पार्ट्स ऑफ द कोन, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का वॉल्यूम बताना है। चूंकि 3D फिगर है इसलिए दिया हो चाहे ना दिया हो रेशियो आप वॉल्यूम का ही लेंगे। तो ये जो रेड और ब्लू इनको मिला के जो हमारा कोन है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? उसकी रेडियस तो स्मॉल आर है, इसको मैं कैपिटल आर बता देता हूँ क्योंकि स्मॉल आर किसी और की रेडियस हमको माननी पड़ेगी। अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे जो है दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं और दो के दोनों मैं रेड कर दे रहा हूँ, एक इस तरफ एक इस तरफ, और ये इनकी कॉमन साइड है। ये कॉमन साइड हो गई, ये एंगल 90 है क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो एक एंगल बराबर मिल गया और एक हमें क्या मिल गया? कॉमन साइड। और आप देखेंगे कि ये जो रेड वाला एंगल है और ये जो रेड वाला एंगल है ये पूरा मिला के वर्टिकल एंगल होता है, और ये जो आधा है उसको सेमी वर्टिकल एंगल कहेंगे। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं? अब सिमिलर प्रूफ करके मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो छोटे कोन की रेडियस है वो बड़े कोन की रेडियस की आधी हो जाएगी, क्योंकि हाइट भी तो आधी हुई है ना और ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं। सो दिस रेडियस इज कैपिटल आर बाई टू। तो पूरे रेड और ग्रीन कोन को मिला के जो कोन बना है ओरिजिनल वाला उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल कोन की वॉल्यूम आपकी हो जाएगी 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। ये हमारी इक्वेशन बन हो गई। सिर्फ और सिर्फ रेड वाले कोन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 1/3 पाई, आर की जगह r/2 का होल स्क्वायर और h की जगह h/2, यानी कि 1/3 पाई r² / 4 इंटू एच बाई टू। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/24 πr² h। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस यहाँ बना के बाकी की चीज़ें लिख देते हैं। अगर आप पूरे के पूरे कोन से इस रेड वाले कोन की वॉल्यूम माइनस कर लें तो ये जो ब्लू ब्लू बचा है इसका वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम, फ्रस्ट्रम मतलब ब्लू वाला पार्ट, ये आ जाएगा पूरे कोन की वॉल्यूम में से सिर्फ और सिर्फ रेड वाले की माइनस कर दो, यानी कि πr²h − πr²h/24। तो यहाँ से 3 और 24 कैल्शियम हो जाएगा 24, और 3 8 8 πr²h − πr²h यानी कि 7 πr²h/24। और अगर आप देखें ये फ्रस्टम हमारा दूसरा पार्ट ही तो है, क्योंकि काटने के बाद जो आपका कोन है वो दो पार्ट में ही तो बटा था, और ये जो रेड वाला है ये फर्स्ट पार्ट ही तो है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? वॉल्यूम ऑफ रेड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, क्योंकि रेड आपका फर्स्ट पार्ट है जबकि फ्रस्टम आपका दूसरा पार्ट है।
तो रेड वाली जो वॉल्यूम है वो है 1/24 पाई आर स्क्वायर एच, और ये इनटू हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 7 पाई आर स्क्वायर एच, ये से ये कट जाएगा, 24 से 24 कटेगा, 1/7 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ आपको ये समझना था कि पहला पार्ट कहते किसको हैं तो रेड वाले को, दूसरा पार्ट कहते किसको हैं, पूरे कोन में से रेड वाला पार्ट निकाल दो उसको, तो इन दोनों के वॉल्यूम में कंपैरिजन आपको करना था। इफ द रेडियस ऑफ इलेप्टिकल सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 10% एंड हाइट इज इंक्रीज्ड बाई 5%, इट सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाई। तो ये अगर सिलेंडर है तो कौन से सरफेस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं वो जरा देख लेते हैं। हम सिर्फ इस घुमावदार सरफेस की ओर देख रहे हैं, मतलब ये सरफेस जिसको आप ऐसे हाथ में पकड़ सकते हैं, सिर्फ उसका एरिया। और ये क्या होता है 2πRH, मतलब रेडियस और हाइट दोनों का इस्तेमाल एक एक बार हुआ है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में भी हैं। तो जब दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में दिए होते हैं और एक का परसेंटेज इंक्रीज भी दिया होता है, दूसरे का भी दिया होता है, तो बिना रुके हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 के थ्रू जो भी चेंज है वो निकाल सकते हैं। अगर डिक्रीज दिया है तो साइन आएगा नेगेटिव में, अगर इंक्रीज दिया है तो किस में आएगा, प्लस में। दोनों में इंक्रीज दिया है तो इसका मतलब प्लस में, तो 10 प्लस 5 प्लस 10 इंटू 5 बाई 100, ये 15 हुआ, 10 10 जा 5 2 जा 15 प्लस हाफ यानी 15 बाई 2, ऑप्शन डी। 15 1/2, 15 प्लस 1/2, 15 सही 1/2 लिख सकते हैं, ऑप्शन डी। द इनर रेडियस ऑफ अ वेजल ऑफ सेमी सर्कुलर शेप, सेमी सर्कुलर तो 2D है, उसकी इनर रेडियस कहाँ से हो गई, ये हम बात कर रहे हैं सेमी स्फीयर की, मतलब कटोरे के शेप की। दिस इज नॉट सेमी सर्कुलर बट हेमी स्फीयर। इस हेमी स्फीयर की अगर हम बात करें तो उसकी रेडियस हमको दे रखी है 9 सेंटीमीटर इनर रेडियस। इनर रेडियस का मतलब ये है उस एरिया की रेडियस जहाँ पे पानी भरा हुआ है, मतलब जो भी लिक्विड है वो भरा हुआ है, उस जगह के रेडियस को कहेंगे 9 सेंटीमीटर। इफ द वेजल इज फिल्ड विद एनी लिक्विड एंड दिस फ्लूड इज फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉटल, अब इसके अंदर जो कुछ भी है कटोरे के अंदर उसको छोटी छोटी बोतलों में भरा जाना है, और हर एक बोतल कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप की है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ईच बॉटल, मतलब सेम टू सेम बॉटल्स में भरना है जिसकी हाइट भी सेम है और रेडियस भी सेम है, हाउ मैनी सच बॉटल्स मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हम एक टेक्निक यूज करेंगे वॉल्यूम कंजर्वेशन, जो वॉल्यूम हेमिस्फीयर का था वही वॉल्यूम आ जाएगा एन बॉटल्स में, मैंने मान लिया एन बॉटल्स हैं सिलेंडर की, तो एन बॉटल्स जो सिलेंडर की होंगी उसमें जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम हेमिस्फीयर का भी होगा। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3πr³, और हमारे पास एन बॉटल हैं, और हर एक बॉटल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर है, पाई से पाई कटा 2/3, आर की वैल्यू पुट कर देंगे 9 × 9 × 9 इज इक्वल टू एन इंटू आर स्क्वायर, यानी कि ये तो डायमीटर है ना 3, तो रेडियस हो जाएगी 3/2 × 3/2, और इसकी हाइट है 4, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, तो 1 9 यहाँ से चला गया, फिर से 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 2 = 54, तो 54 बॉटल्स यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इफ tan थीटा इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + sin θ डिवाइड बाई 1 − sin θ, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 12 है बेस 5 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट होती है जहाँ पे 13 हमेशा 90 के सामने होता है, यानी कि हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर वर्सेस हाइपोटेनस, पी बाई एच की वैल्यू रख देंगे 1 + p, परपेंडिकुलर मतलब 12, हाइट मतलब 13, 1 − 12/13, 13 12 25/13, 13 में से 12 गया 1/13, 13 से 13 कट गया, 25 यहाँ से करेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन सी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ऊपर है 1 + sin θ² प्लस 1 − sin θ² डिवाइड बाई cos² θ,
तो ये किस फॉर्मेट में है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पे वन, साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ पे है आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको ऑप्शन बी में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है 49 नंबर, यह भी ट्रिग्नोमेट्री का है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट टू टाइम्स ऑफ साइन 90 माइनस थीटा। अब ये जो साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, रूट टू कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा एक तरफ हो जाएगा, कॉस थीटा अगर आप कॉमन लेंगे तो ये बचेगा रूट टू माइनस वन, कॉस थीटा उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो साइन बाई कॉस होता है टेन, टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट टू माइनस वन। अब हमसे पूछ रहे हैं कॉट थीटा यानी कि वन बाई टेन थीटा यानी वन बाई रूट टू माइनस वन, रैशनलाइज करेंगे रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट टू प्लस वन, नीचे दो में से एक गया एक, यानी रूट टू प्लस वन फाइनल आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर ऑफ अ पॉइंट इज दिस, ये मैंने टावर बना दिया, द एलिवेशन एंगल बिकम 60 डिग्री। तो पहले अगर कोई बंदा उसको यहाँ से देख रहा था तो एंगल उस समय बन रहा था 45, 45 से 60 कब होता है? जब आप टावर के पास जाते हो, टावर के जितना पास जाओगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए इतना पास आप चले गए टावर के, यहाँ से जो एंगल बनेगा दैट इज 60 डिग्री। अब आप कितना आगे गए लिया हुआ है क्वेश्चन में, 40 मीटर दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये टावर की हाइट कितनी होगी, और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया x, जिससे ये पूरा डिस्टेंस बन गया x प्लस 40। आई थिंक अभी तक सबको समझ में आया होगा। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं आपके पास, मैं इस वाले में ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ, एच बाई एक्स क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस यानी टेन थीटा, टेन 60, एच हो जाएगा एक्स रूट थ्री बिकॉज टेन 60 बराबर रूट थ्री, ये हमारा पहला रिजल्ट। उसके बाद इस पूरे के पूरे में मैं लगा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, तो टेन 45 क्या हो जाएगा? एच अपॉन एक्स प्लस 40, टेन 45 वन होता है इसलिए उसकी कोई टेंशन ही नहीं है, एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री, एच की प्लेस पे मैंने एक्स रूट थ्री यहाँ से रख दिया, एक्स कॉमन हो जाएगा, ये रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू 40, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 40 अपॉन रूट थ्री माइनस वन। अब रैशनलाइज आप कर सकते हैं लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चारों ऑप्शन में रैशनलाइज नहीं किया गया है, हमें बताना है हाइट, तो उसको रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर लो एक्स को तो हाइट मिल जाएगी, तो 40 रूट थ्री डिवाइड बाई रूट थ्री माइनस वन, 40 रूट थ्री डिवाइड बाई रूट थ्री माइनस वन ऑप्शन डी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने दूसरे सेक्शन को जिसका नाम है जनरल इंटेलिजेंस और इसको शॉर्ट में बोलते हैं रीजनिंग। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा इसमें, शिप इज रिलेटेड टू कैप्टन, जिस तरीके से जहाज का संबंध उसके कैप्टन के साथ है तो न्यूज़पेपर का किसके साथ होगा? तो अगर आप कैप्टन की बात करें तो जहाज के अंदर उसका रोल ये होता है कि पूरे के पूरे जहाज को कंट्रोल करना, तो उसी तरीके से न्यूज़पेपर में क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा इस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? तो इस चीज़ को कंट्रोल करता है एडिटर, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा है ऑड वन आउट बताना है, नाइट ब्लाइंडनेस, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी और रिकेट। तो अगर आप चाहे नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें, चाहे स्कर्वी की बात करें, चाहे रिकेट की बात करें, ये तीन की तीनों डिजीजेस आपकी विटामिन से संबंधित हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा यानी कि जुखाम ये विटामिन से संबंधित रोग नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी। इफ संडे इज रिटन इन दिस वे हाउ टू राइट क्रिएशन, जिस तरीके से संडे को इस तरीके से लिखा जाता है तो क्रिएशन को लिख के बताइए कैसे लिखेंगे। तो अगर आप देखें तो संडे को ऐसे लिखने का मतलब ये है कि उल्टा लिख देना उसका, तो क्रिएशन का अगर आप उल्टा लिखने जाएंगे तो एन ओ आई टी ए ई आर सी, ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फोर्थ में आपको बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे बन सकता है, दैट कैन बी मेड। तो सबसे पहले आप ये छाटिए कि क्या नहीं बन सकता है, ओपन बन सकता है क्या? ओ पी जब ई है नहीं तो ये कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। ओ पी एम बन सकता है क्या? ओ पी आई यू है क्या ऊपर कहीं? जब है नहीं तो नहीं बनेगा। ओपिनियन,
OPINION बन गया ऑप्शन सी, और बाकी जो नेशन है वो क्यों नहीं बनेगा उसको भी देख लीजिए। तो नेशन में NAT, जब ऊपर टी जब है ही नहीं तो किस बात का बनेगा, ऑप्शन सी। फाइव फ्रेंड्स PQRST आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, तो जो दिया है उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। आसान सा सवाल है, कोई इतना टफ नहीं है। ऐसे सिटिंग बिटवीन टी एंड क्यू, तो टी को इधर ले लेता हूँ, क्यू को इधर ले लेता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि क्यू इधर आ जाए टी इधर आ जाए, लेकिन बीच में तो एस ही होगा। अब एक अरेंजमेंट मेरा गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, और उस हिसाब से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आगे दिया हुआ है क्यू इज़ टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो आर अगर यहाँ पे है तो उसके एकदम लेफ्ट में कौन आ गया, क्यू आ गया। जबकि यहाँ पे हम लोग ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि एस उसके बाद क्यू और टी के बीच में बचेगा नहीं, तो ये अरेंजमेंट फेल हो गया। इसके साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है आगे पी इज़ टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो ये टी है इसका एकदम लेफ्ट इधर आ जाएगा, और वहाँ पे कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो बस अरेंज कर दिया सबको, हु इज सिटिंग इन द मिडिल, तो साफ साफ दिख रहा है एस इनके बीचों बीच बैठा है, ऑप्शन ए। सुनीता इज 11th इन अ रो ऑफ गर्ल्स फ्रॉम बोथ साइड, लेफ्ट से भी रैंक इनकी 11 है और राइट से भी इनकी रैंक 11 है। आपको बताना है कि वहाँ पे कितनी लड़कियाँ लाइन में लगी हुई हैं। तो नंबर बराबर होता है एल प्लस आर माइनस वन, जहाँ पे एल हो और आर होते हैं सेम बंदे की लेफ्ट और राइट से रैंक, यानी 11 प्लस 11 22, 22 में गया 21, ऑप्शन नंबर सी। अ पर्सन इज स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, मान लीजिए इस पॉइंट से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, नॉर्थ गया मतलब सीधे गया 8 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट। आप पॉइंट से मेरे कर्जर को फॉलो कीजिए और आप खुद ही बताइए कि लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, दिस इज 6 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट। इस पॉइंट से कर्जर को फॉलो कीजिए, बताइए राइट कहाँ पे होगा, तो ऊपर, और ये 5 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग नाउ, ये 5 किलोमीटर ऊपर कहाँ जा रहा है, जाहिर सी बात है नॉर्थ में जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 8 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है वो इस पजल पे आधारित हैं, तो सबसे पहले इस पजल को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। फाइव पर्सन्स अमिता बाबू चंदा दिवाकर एंड ईशू, ये 5 पर्सन्स के नाम हैं और ये 5 के 5ों एक ही ट्रेन में बैठकर यात्रा कर रहे हैं। अमिता इज चंदास मदर, हु इज ईशूज वाइफ, तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया इस एक लाइन से। क्या क्लियर हुआ वो आपको बताता हूँ, ये अगर कोई चंदा है तो इनकी मदर है अमिता। अब ये चंदा कौन है, ये ईशु की पत्नी है, तो पत्नी है तो फीमेल होंगी, और ये ईशु जो इनके पति हैं वो जाएंगे मेल, और ये जो अमिता है वो इनकी माँ है, इस वजह से ये भी फीमेल होंगी। दिवाकर इज अमिताज ब्रदर, तो ये जो दिवाकर है वो अमिता का भाई है, तो ये कौन हो गया, दिवाकर अमिता का भाई, दिस इज दिवाकर, और चूंकि भाई है इस वजह से मेल होगा। एंड बाबू इज अमिताज हस्बैंड, अब ये जो बाबू है ये पति है, तो पति के लिए मैंने कर्व लाइन का यूज़ किया हुआ है, और बाकी भाई बहन के लिए एकदम स्ट्रेट लाइन का यूज़ किया हुआ है। डायग्राम में अच्छे से आप समझ सकते हैं, तो ये कौन इनका पति है, बाबू, और पति है इस वजह से मेल होगा। तो पजल हमने क्रैक कर ली, ये प्रॉपर पजल थी भी नहीं, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था बस। हाउ इज़ बाबू रिलेटेड टू ईशू, बाबू ईशू के कौन हैं, तो अगर आप ईशू के हिसाब से देखें तो वो ये हैं, बाबू हैं ऊपर। अगर आप अमिता और बाबू को देखें तो ये तो दंपत्ति हैं, और इन दंपत्ति की संतान है ईशू, तो जाहिर सी बात है ऊपर जो बाबू है वो ईशू के पिता हैं, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ये अमिता और बाबू की जो संतान है वो चंदा हैं, और चंदा का पति है यीशु, तो इसका मतलब दामाद होगा बाबू का, तो दामाद की जो इंग्लिश होती है वो होती है, खैर उसको बताना नहीं है, ससुर की इंग्लिश बतानी है, ससुर मतलब फादर इन लॉ, फादर इन लॉ यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश के हिसाब से बता रहा हूँ, हिंदी के हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा ससुर। हाउ इज अमिता रिलेटेड टू जीसस, अब ये जीसस कहाँ से आ गया मैं बताता हूँ, जीसस का मतलब होता है ईशु, ये ईशु को ट्रांसलेटर ने एज इट इज़ ना लिख के इसका इंग्लिश वर्जन बता दिया, तो खैर कोई बात नहीं। अमिता ईशु की कौन है ये इस बारे में आपको बात करनी है, तो ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो
तो ईशु जो है वो चंदा के पति हैं। अब ये चंदा कौन है? वो अमिता की बेटी हैं। तो बेटी के पति को क्या कहते हैं? अगर आप अमिता के हिसाब से देखें तो ये ईशु बेटी का पति ही तो है, तो बेटी के पति को कहते हैं दामाद। और दामाद की कौन है? अमिता, सास है। तो अमिता का संबंध सास का है, मदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये भी एक दूसरी पजल पे आधारित हैं, तो चलिए इसको भी क्रैक कर लेते हैं, कोई इसमें बड़ी बात तो लग नहीं रही है। पी एंड क्यू प्ले वॉलीबॉल एंड हॉकी। तो ये हमने बना दिया पी एंड क्यू। अब ये कौन कौन से खेल खेलते हैं? वॉलीबॉल एंड हॉकी। तो अगर ये भी स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है तो इस चीज़ का सीधा मतलब ये है कि ये जो पी है वो दोनों खेल खेलता है, और इसी तरीके से ये जो क्यू है ये भी दोनों खेल खेलता है। उसके बाद है आर एंड पी। तो आर और पी क्या खेलते हैं? बेसबॉल एंड हॉकी। ये बेसबॉल और हॉकी। एस एंड सी, ये दोनों क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल एंड क्रिकेट। उसके बाद है आर एस एंड टी। तो आर एस और टी ये मिलके क्या खेलते हैं? बेसबॉल और फुटबॉल। तो यहाँ पे एक बात हमको अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि ये है आपका पी और ये रहे इसके खेल, ये आपका क्यू है और ये रहे इसके खेल, इसी तरीके से आर और ये रहे इसके खेल। सब कुछ फिक्स करना पड़ेगा तभी आप पजल का आंसर दे पाएंगे। तो पी खत्म, क्यू खत्म, आर खत्म। उसके बाद एस और ये रहे इसके खेल। उसके बाद सी और ये रहे इसके खेल। पी की बात कहाँ कहाँ पे हुई है? इधर और इधर। तो इधर से हमें ये पता चला कि पी जो है वो वॉलीबॉल और हॉकी खेलता है, और पी की बात यहाँ पे हुई है तो बेसबॉल भी खेलता है। हॉकी पहले ले चुके हैं इसलिए उसको लेंगे नहीं, तो पी के खेल हमने फिक्स कर दिए। क्यू जो है वो वॉलीबॉल हॉकी खेलता है, तो वॉलीबॉल हॉकी। उसके बाद क्यू की बात कहाँ पे हुई है? कहीं पे नहीं हुई है, इसलिए क्यू जो है वो यही दोनों खेल खेलता है। बस इसके भी खेल हमने क्या कर दिए? फिक्स कर दिए। आर की बात अगर हम करना चाहें तो एक तो आर का जिक्र यहाँ हुआ है, बेसबॉल और हॉकी, तो बेसबॉल हॉकी दोनों खेलता है। दूसरी बार आर का नाम हमने नीचे लिया है तो बेसबॉल प्लस फुटबॉल लिखा हुआ है, तो बेसबॉल ले चुके हैं, फुटबॉल आ गया, तो आर के खेल भी फिक्स हो चुके। एस की बात करते हैं तो उसका जिक्र सबसे पहले यहाँ पे हुआ, यानी वॉलीबॉल और क्रिकेट, वॉलीबॉल क्रिकेट। उसके बाद इसका जिक्र यहाँ पे हुआ, बेसबॉल और फुटबॉल, तो बेसबॉल फुटबॉल दोनों खेलता है। उसके बाद सी की अगर हम बात करें तो उसका जिक्र यहाँ पे हुआ है सिर्फ और सिर्फ, उसी वजह से सिर्फ वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलेगा ये। बस ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दी हैं, अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले 10वां नंबर है, इन दिस 5 प्लेयर्स हु प्लेस 4 गेम्स, कौन सा है जो चारों खेल खेलता है? तो चारों खेल खेलने वाले का नाम जो है वो तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये एस। तो एस कहाँ पे? ऑप्शन सी में, तो वो आपका सही हो गया। 11 नंबर है, हु प्लेस हॉकी वॉलीबॉल एंड बेसबॉल। तो हॉकी वॉलीबॉल बेसबॉल, अगर पी की बात करें तो हॉकी है, वॉलीबॉल है, बेसबॉल है। तो बस पहले ही आंसर मिल गया, और बाकी अगर आप देखें तो वॉलीबॉल हॉकी है, बेसबॉल गायब है क्यू के केस में, इसी तरीके आर के केस में भी कुछ गायब है, एस के केस में और सी के केस में भी कुछ ना कुछ मिसिंग है। एस के केस में इसलिए मिसिंग है क्योंकि वो चार खेल भले खेलता है लेकिन उसमें हॉकी गायब है। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? पी वाला, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद है हु प्लेस हॉकी वॉलीबॉल एंड क्रिकेट। तो खेल आप याद रखिए हॉकी वॉलीबॉल एंड क्रिकेट। तो हॉकी वॉलीबॉल है इधर, क्रिकेट नहीं है, वॉलीबॉल हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। तो ढूंढ लीजिए आप फिर वॉलीबॉल हॉकी और क्रिकेट वाले को। पी के बारे में बात करें तो वॉलीबॉल हॉकी है, क्रिकेट नहीं है, तो पी आपका आंसर नहीं होगा। क्यू जो है वॉलीबॉल हॉकी है फिर से क्रिकेट नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। आर के बारे में बात करें तो बेसबॉल हॉकी फुटबॉल क्रिकेट गायब है, तो वो भी नहीं होगा। एस के बारे में बात करें वॉलीबॉल क्रिकेट बेसबॉल और फुटबॉल, हॉकी इधर भी नहीं है तो एस भी नहीं होगा। सी के बारे में देखें अगर हम, तो वो वॉलीबॉल क्रिकेट खेलता है, हॉकी गायब है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा कोई प्लेयर हमारे पास नहीं है, तो क्वेश्चन हो गया रॉन्ग। 13 नंबर बात करते हैं, नंबर सीरीज कंप्लीट करके बताना है इसमें। 8, 3, 11,
आप कुछ समझ पाए कि ये जो 11 है वो पिछले पिछले दो को जोड़ने के बाद मिला। ऐसे ही 8 को अगर हम साइड में रख दें तो 11 3 14 होना चाहिए, बिल्कुल है। 8 और 3 छोड़ दें तो 11 14 25, 11 छोड़ दें तो 25 14 39, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर में आपको बताना है यहाँ मिसिंग नंबर क्या होगा, लॉजिक ढूंढते हैं। चलिए, अगर आप सबको इस तरीके से जोड़ दें, 16 10 26 4 30, 18 12 30 6 36, तो 6 का गैप आ गया कि नहीं? तो आगे अगर 6 का गैप आता है तो बस हमारा काम हो गया। अगर इधर 42 आता है तो काम ख़त्म। 20 8 28, तो यहाँ 14 आएगा तभी तो 42 होगा। देखते हैं 14 ऑप्शन में है कि नहीं, तो 14 तो है, ऑप्शन डी। अ क्लॉक विच हैज़ ओनली 3 6 9 एंड 12 क्लॉक साइंस, एक ऐसी घड़ी है जिसमें सिर्फ 4 नंबर लिखे हुए हैं, 3 6 9 और 12, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। अब इसको एक शीशे के सामने रख दिया जाता है। अ पर्सन सीज द मिरर इमेज एज अ स्टॉप टाइम एट 9:50। अगर शीशे के थ्रू उस घड़ी का टाइम आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि उसमें 9:50 हो रहे हैं। आपको बताना है कि रियल टाइम क्या है अगर आप उसको शीशे में ना देखें तो। तो चाहे इमेज से रियल टाइम पे जाना हो, चाहे रियल टाइम से शीशे वाले टाइम पे जाना हो, ट्रिक ये होती है कि 1160 में से जो दिया है उसको लेस कर दो तो दूसरा वाला आ जाएगा। 1160 माइनस 950 यानी कि 210, ऑप्शन नंबर ए। द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज दिस, तो एक बात बताइए सम कितना होगा, 33 गुणे 5 यानी कि 165। मान लीजिए 5 मेंबर आपके पास ए बी सी डी और ई हैं, तो अभी इनका ये हिसाब किताब है। द यंगेस्ट मेंबर इज 9 ईयर्स ओल्ड, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली मेंबर्स वॉज जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर इज, इनमें से जो सबसे छोटा है मैंने उसको मान लिया ई, ये कितने साल का है तो 9 साल का है, 9 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा नेगेटिव, तो 156 माइनस 9 यानी 165, सॉरी 165 माइनस 9 यानी 156। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो अभी की एज है वो है 156 कुल मिला के। जब ये यंगेस्ट मेंबर पैदा हुआ होगा तो हम लोग कितने साल की बात कर रहे हैं, कितने साल पीछे जाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है उतने साल पीछे जाना पड़ेगा जितना बड़ा वो मेंबर है, 9 साल पहले। तो 9 साल पहले की अगर आप बात करें तो 9 साल ए की एज से भी कम होंगे, बी की एज से भी कम होंगे, सी और डी दोनों की एज से कम होंगे, तो टोटल 9 चौको 36 कम हो जाएगा, तो 120 बच जाएगा सम। अगर सम 120 है तो उस समय एवरेज कितना रहा होगा, 120 बटे 4 यानी 30 रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज इज ₹7 एंड दैट ऑफ अ वाटरमेलन इज 5, एक संतरा 7 रुपए का आता है जबकि एक तरबूज 5 रुपए का आता है। श्याम बाउट बोथ फ्रूट्स फॉर ₹38, दोनों फल खरीद लेता है 38 में। अब पता नहीं कितने संतरे खरीदे कितने तरबूज खरीदे, लेकिन कम से कम एक फल जरूर लेके आता है दोनों टाइप का। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस परचेज्ड बाय हिम, अगर आप देखें तो जो तरबूज है उसकी कीमत 5 रुपए है, तो जाहिर सी बात है वो जितने तरबूज खरीदेगा उसका 1 टाइम 2 टाइम उसके 38 रुपए में से कटता रहेगा, क्योंकि उसके पास 38 ही रुपए हैं फल खरीदने के लिए। तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक तरबूज खरीदता है तो उसके पास 33 रुपए तब भी बच जाएंगे ना, और उस 33 रुपए को वो पूरी तरीके से नहीं खर्च पाएगा संतरे खरीदने के लिए, क्योंकि 33 जो है वो 7 से कटता नहीं है, तो एक तरबूज वो नहीं खरीद पाएगा, जाहिर सी बात ये है। अगर वो 2 तरबूज खरीदे तो 10 रुपए खर्च हो जाएंगे, 28 बच जाएंगे इसके पास। अब इन 28 रुपए को वो संतरों में खपा सकता है, पता है क्यों, क्योंकि 7 चौके 28, 28 जो है वो 7 से 4 बार में कट जाता है। तो मैंने आपको निकाल के बता दिया कि उसने कितने संतरे खरीदे, 4 खरीदे, उससे ज़्यादा वो खरीद नहीं पाएगा और उससे कम भी वो खरीद नहीं सकता है, क्योंकि उसके पूरे रुपए खर्च हो ही नहीं पाएंगे अगर इससे कम खरीदेगा तो, और बच जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। 4 इंच आकार के एक ठोस घन, मतलब एक क्यूब है जिसकी साइड आपको 4 सेंटीमीटर पता है, या फिर कह लीजिए इंच पता है, वो इतना मैटर करेगा नहीं। अब आप जानते हैं कि जो क्यूब होता है उसकी 3 साइड आपको दिख जाती हैं जबकि 3 साइड छुपी हुई होती हैं। आपने पासा देखा होगा, लगभग आपको 3 साइड दिखती हैं एक बार में जबकि 3 साइड छुप जाती हैं।
जो तीन साइड दिख रही है ना, उनको लाल, हरा और काला कर दिया जाता है। और ये करने के बाद इस क्यूब को काटना शुरू कर देते हैं, और जब काटते हैं तो ऐसे ऐसे एक एक इंच के क्यूब आपको निकल करके आते हैं। आपके पास जो क्यूब है वो 4 इंच का है, और आप एक एक इंच के क्यूब बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप 4 क्यूब ही तो बना पाएंगे ना, क्योंकि टोटल क्वांटिटी आपके पास 4 इंच है। सपोज दिस इज 4 इंच, तो एक एक इंच में आप तोड़ रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है 4 क्यूब ही तो तोड़ पाएंगे ना। इसमें हमें बताना है कितने घनों के केवल केवल और केवल 4 फलक रंगे हुए हैं, मतलब 4 साइड पेंटेड बतानी है। एक बात बताइए, जब आप क्यूब को काट देते हैं और काट के भी आप क्यूब ही बना रहे हैं, तो बना तो क्यूब ही रहे हैं ना, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। और उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि तीन सरफेस आपको दिखती हैं जबकि तीन सरफेस छुपी रहती हैं। तो जब आपको तीन सरफेस दिख रही हैं तो 4 सरफेस पेंट कहाँ से हो जाएंगी? तो इसका आंसर आ जाएगा 0। 4 सरफेस पेंट करने का तो सवाल ही नहीं उठता है, ऑप्शन नंबर ए। इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है, और जो सिंबल हैं उनको ऊपर से लेना है, ये वाले सिंबल आपको यूज़ नहीं करने हैं। 6, 8, 2, 5 और 8, 6 और 8 के बीच में है डिवाइड का साइन। डिवाइड के साइन का मतलब है इनटू, उसके बाद है प्लस का साइन, प्लस के साइन का मतलब है डिवाइड, उसके बाद है इनटू का साइन जिसका मतलब है माइनस, और सबसे बाद में है माइनस जिसका मतलब है प्लस। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 4 6 6 24, 24 8 32, 32 में से 5 गया 27, ऑप्शन नंबर ए। विच पिक्चर शोज द रिलेशन बिटवीन बिल्डिंग लेंथ एंड मैन? तो बिल्डिंग और मैन, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों ही लंबे हो सकते हैं। आपने लंबी लंबी बिल्डिंग देखी होंगी, लंबे लंबे व्यक्तियों को भी देखा होगा, दोनों ही लंबे हो सकते हैं लेकिन दोनों के बीच आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस तरीके से कुछ बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट है ऑल क्रोस आर बर्ड्स, ऑल पिकॉक्स आर क्रोस। तो जितने भी पिकॉक हैं, मोर हैं, वो सभी के सभी कौवे की कैटेगरी में आ चुके हैं, क्रोस, और जितने भी कौवे हैं वो बर्ड की कैटेगरी में आ चुके हैं। उसके बाद कंक्लूजन देखते हैं, ऑल पिकॉक्स आर बर्ड, तो पिकॉक यहाँ पे सबसे छोटा सर्कल है और बर्ड सबसे बड़ा। सबसे छोटा सर्कल सबसे बड़े में पूरी तरीके से आ चुका है, इसका मतलब ये वाला एकदम सही है, ऑल बर्ड्स आर पिकॉक। तो बर्ड यहाँ पे सबसे बड़ा सर्कल है और वो सबसे छोटे सर्कल में नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब ये गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, ओनली वन फॉलोस, ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको ट्राइंगल गिन के बताने हैं, तो ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, और ये पूरा हो गया थर्ड। तो तीन ट्राइंगल हमारे पास आ चुके हैं, उसके बाद आपको बाकी के दिखाते हैं। 4 5 6 7 8 9, तो अभी तक 9 ट्राइंगल हो चुके हैं। उसके बाद ये देखिए आप दसवां, और उसके बाद ये देखिए आप 11वां, तो 11 हो गए। उसके बाद ये देखिए 12वां, उसके बाद ये देखिए 13वां, 13 ट्राइंगल ऑलरेडी हो चुके हैं अपने पास। तो जब 13 हो चुके हैं तो 10 क्या कर रहे हैं? 10 ट्राइंगल नहीं हो सकते, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। उसके बाद ये देखिए 14, और ये इस तरफ बनने वाला 15, हमारे पास 15 ट्राइंगल्स इस समय हैं, दिस इज 15, ये हमारा 16वां ट्राइंगल, और ऐसे ही ऊपर एक 17वां ट्राइंगल, तो बस 17 यहाँ से करेक्ट हो गया और बाकी कोई ट्राइंगल अपने पास है नहीं, ऑप्शन नंबर डी। फिर से सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है, ऑल पेपर्स आर गर्ल्स, जितने भी पेपर हैं वो सबके सब लड़कियों की कैटेगरी में आ चुके हैं। सम गर्ल्स आर मेटल, तो ये गर्ल का कुछ पार्ट मेटल हो गया। ऑल मेटल्स आर ग्लास, तो ये मेटल का पूरा पार्ट किस में आ गया? ग्लास में, GL से लिखता हूँ क्योंकि G से हमने गर्ल्स को ऑलरेडी लिख रखा है। उसके बाद पहला, कुछ ग्लास लड़कियां हैं, इंग्लिश में मत देखिएगा, ट्रांसलेशन की मिस्टेक है। तो ग्लास का कुछ पार्ट लड़कियों में आ रहा है क्या? तो जी हाँ, ये वाला पार्ट आ रहा है जिसको मैं आपको रेड करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि
क्योंकि ये सर्कल ग्लास का है, ये सर्कल आपकी लड़कियों का है, तो इतना पार्ट तो कॉमन हो गया, तो ये वाला एकदम सही है। उसके बाद है सम ग्लास इज मेटल, तो ये ग्लास है ये मेटल है, तो पूरा का पूरा मेटल ही ग्लास में घुसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ग्लास के कुछ पार्ट को इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ऑप्शन दो भी सही है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि दोनों के दोनों आपके सही हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत है। तो बोथ वन एंड टू फॉलोस ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है। मोस्ट इंडियंस बिलीव दैट दे हैव ग्रेट हेरिटेज बट सम इंक्लूड साइंस इन इट। कुछ भारतीय ऐसे हैं जो मानते हैं कि उनकी एक महान विरासत तो है, लेकिन कुछ इसमें साइंस को इंक्लूड करके मानते हैं। तो कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जो ये भारतीय हैं इनमें से कुछ साइंस को इंक्लूड करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो पहला है मैनी इंडियंस बिलीव दैट साइंस हैज़ मेड द हेरिटेज ग्रेट। तो जाहिर सी बात है क्योंकि साइंस को अगर इन्होंने इंक्लूड किया है तो इसका मतलब यही है कि साइंस का कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन तो है। इसका मतलब पहला सही है। मैनी इंडियंस डू नॉट नो, अब आप ये कीवर्ड देखिए लिखा हुआ डू नॉट नो, अब जो बाकी के हैं उन्होंने साइंस को इंक्लूड नहीं किया। अब क्या सोच के नहीं किया क्या नहीं किया ये सब्जेक्टिव है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लोग साइंस से जलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कह दें कि ये जो साइंस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हो सकता है कि इनको नॉलेज ना हो, तो ये सब्जेक्टिव है। यहाँ पे कोई डेफिनेट नहीं बता सकते कि इन्होंने साइंस को इंक्लूड क्यों नहीं किया, तो ये वाली चीज़ गलत हो गई। जो डेफिनेट ना हो वो कंक्लूजन में फिट नहीं बैठ सकता। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर होगा वो होगा पहला सही दूसरा गलत, ओनली वन फॉलोस ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट है सम स्टोन्स आर रॉक्स, तो ये स्टोन है इसका कुछ पार्ट रॉक की कैटेगरी में आ चुका है, ये रॉकी नहीं है रॉक है। सम रॉक्स आर डायमंड, रॉक का कुछ पार्ट डायमंड में आ गया। डायमंड्स आर सम डायमंड्स आर जेम स्टोन, तो डायमंड का कुछ पार्ट जेम स्टोन में आ गया। पहला है सम जेम्स आर स्टोन, तो सम जेम्स आर स्टोन, तो ये जेम है ये स्टोन है, क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है, कहाँ ये इधर और कहाँ ये उधर, कोई कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ऑल डायमंड्स आर स्टोन, तो यहाँ पे कोई भी सर्कल किसी दूसरे सर्कल को पूरी तरीके से नहीं कवर कर रहा, तो ऑल का तो सवाल उठता भी नहीं है। दोनों गलत, यानी दोनों के दोनों आंसर गलत, कोई भी सही नहीं है। नन ऑफ दीज फॉलोस ऑप्शन नंबर बी।